तो यार कैसे हो? होप तो सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम प्रोजेक्ट नंबर 7 का ही पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं कराया, पहले जाके उसको करो, तब इसको कंटिन्यू करो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। प्रीवियस लेक्चर पार्ट का कोड ही नहीं होगा तो यार क्या करोगे आगे? तो पहले जाके पार्ट 1 का कोड करो, अच्छे से देखो हमने कैसे कैसे टेलविंड अप्लाई की है। टेलविंड करना यार बहुत ही जरूरी है, आगे के जितने भी हम प्रोजेक्ट करेंगे फ्यूचर्स में, सब में हम टेलविंड अप्लाई करने वाले हैं, तो ये पार्ट 1 देखना जरूरी है। तुमको एक वे पता चल जाएगा कैसे कैसे चीज़ें हम अप्रोच कर रहे हैं, कैसे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको कोड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो एक बार जाके पार्ट 1 देखो, फिर तुम आगे की चीज़ें भी खुद से खुद बनाने लगोगे, ठीक है। खुद से खुद सोचने लगोगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है। तो एक बार जाके पार्ट नंबर 1 जरूर से देखो। अब क्या करने वाले हैं, पार्ट 2, ठीक है। जितना हमारा बचा था सबको कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में, नहीं धीरे धीरे करके करेंगे कवर, शायद से एक या दो और पार्ट बन जाए इसके अलावा पार्ट 2 के, तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम मस्त करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मेन मोटिव बस यही है कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो पार्ट 2 के अंदर यार करते हैं फर्दर पार्ट जो बचा था हमारा पेटीएम क्लोन का, बहुत मस्त जा रहा है, ठीक है। बहुत मस्त करके हम चीज़ें बना रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार यार तुमको दिखा देता हूँ एक्चुअली हम बना क्या रहे हैं, फिर तुम देखोगे, एक आइडिया लगेगा कि यार ये चीज़ बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ दोस्त यही तो बना रहे हैं। तो यार देखो हम ये ऐसा ऐसा कुछ बना रहे हैं, आज कोशिश करेंगे कहाँ तक बनाने की, देखते हैं ना। हमने यहाँ तक तो इस चीज़ को क्रिएट कर लिया था आज को, और ये स्टिकी नैप बार भी बना लिया था, इतना पार्ट एकदम झकास करके क्रिएट कर लिया था। जिन्होंने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा हुआ है उनको अच्छे से पता होगा कि हाँ ये चीज़ बन गई थी। आज क्रिएट करने वाले यार ये वाला सेक्शन करेंगे पूरा, ये सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन पूरा करने वाले हैं, ये चीज़ कर लेंगे, है ना। और यहाँ तक कर लेंगे, पहले टारगेट लेते हैं यहाँ तक करें, ठीक है। 1.5 आवर में इतना कर लें, अगर हमारे पास टाइम बचा, अगर ये उससे कम में हो गया तो आगे फर्दर का पार्ट कर लेंगे। लेकिन मेन मोटिव हमारा यही है आज के इस लेक्चर का, इस पार्ट 2 का, कि यहाँ तक इस चीज़ को कर लें आराम के साथ, ठीक है। और ईजी है, हो भी जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो तो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये चीज़ बना ली, एक चीज़ पे फोकस करना है, जस्ट इस चीज़ पे फोकस करना है, इस चीज़ पे फोकस कर लिया, ये चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जस्ट तुम्हें कॉपी एंड पेस्ट करना है, बन गई, तैयार है ना। कॉपी और पेस्ट करने के अलावा इसमें और कुछ है नहीं, कॉपी पेस्ट कर दो, चीज़ें डन है, कॉपी पेस्ट करके दो, चीज़ें डन है। इतनी चीज़ आ गई समझ में, इतनी चीज़ आ गई कि नहीं आ गई समझ में, डन है। चलो अब ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, जस्ट नोटिस करना, कॉपी पेस्ट, इमेज चेंज है, बस दिख रहा है इमेज चेंज है, बाकी सारी चीजें तुम्हें क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है, इमेज चेंज है बस। और ये यहाँ देखो इमेज ही चेंज है बस, और कुछ चेंज नहीं है, इमेज चेंज है, टेक्स्ट चेंज है, बाकी तो एक बार तुम ऑब्जर्वेशन करोगे ना, ऑब्जर्वेशन ही करनी है, देन तुम्हें कॉपी पेस्ट ही करना है दोस्त, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ही करनी है, देन तुम्हें कॉपी पेस्ट ही करना है, तो दिक्कत यहाँ भी नहीं आएगी ना, दिक्कत यहाँ भी नहीं आएगी। एक बार कॉपी पेस्ट कर, मतलब एक बार बना लिया, एक बार मेहनत कर ली, एक बार ये कॉपी करा, एक बार ये कॉपी करा, एक कार्ड बनाएंगे दूसरा कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। एक कार्ड बनाएंगे दूसरा कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है दोस्त, काम डन है। इतना ही काम है चीज़ों को करने का, इतना ही काम है ना, इतना ही काम है बस। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर, बेसिकली पार्ट 1, ठीक है, मैं लेक्चर बोल रहा हूँ बार बार, प्रीवियस पार्ट था हमारा पेटीएम क्लोन का, उसको एक बार ओपन कर लेते हैं, देन हम अपना वही जो हम थिंकिंग करते हैं इसको ऑब्जर्व करेंगे और कोड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। पहले एक बार ओपन कर लेता हूँ उस पार्ट को, तो यार एक बार ओपन कर लेते हैं जल्दी से। और पार्ट किधर गया, ये हमारा फोल्डर है वेब डेब, इसको डालते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, इसको करते हैं मैक्सिमाइज, और यही है ना, हाँ यही है। अब क्या करना है हमें, हमें इसको करते हैं ये, ठीक है, इसको करते हैं क्लियर। अब इसको हमने कर दिया है क्लियर, अगर मैं npm run dev करूँगा तो क्या ये चीज़ चल जाएगी दोस्त, अगर मैं npm run dev करूँगा क्या ये चीज़ चल जाएगी, बिल्कुल नहीं चलेंगी। हमें क्या जाना पड़ेगा, उस करंट फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जो कि हम एक्चुअली नहीं है। कैसे जाएंगे यार, cd लिखो, ठीक है। cd लिखने के बाद दोस्त तुम्हें क्या करना है, तुम टेलविंड वाला फोल्डर टाइप करो, टेलविंड वाला फोल्डर आ गया, देन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 7 paytm करो, देन एंटर, तुम पहुंच जाओगे करंट डायरेक्टरी के अंदर। जस्ट टाइप करो npm run dev, अब ये स्क्रिप्ट हमने बनाई थी, ठीक है, ये हमने कमांड बनाई थी, कैसे, ये सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं प्रोजेक्ट नंबर
शुरू से बता रहे हैं लेक्चर नंबर आई थिंक 21-22 में सारी चीजें हो चुकी हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, है ना। 21-22 में हो चुकी हैं और प्रोजेक्ट नंबर सेवंथ के पार्ट फर्स्ट में भी सारी चीजें बताई थी, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है तो यार एक बार जाके शुरू से देखो, शुरू से चीजें देखो कैसे कैसे हमने करी है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, है ना। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, अब ये हमारी चीज चल जाएगी मस्त करके। इसको करते हैं ऐसे, और ये चीज हमने बनाई थी, ठीक है, ये चीज हमने बनाई थी। तुम देख सकते हो, तुम डिफरेंस देख सकते हो दोस्त, तुम्हें बिल्कुल डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। हल्का बहुत डिफरेंस दिख सकता है, देखो ये इसका डिफरेंस है, ठीक है, इसकी इमेज वगैरह छोटी है, ये यही डिफरेंस है, और ये डिफरेंस भी नहीं है। यहाँ पे तुम थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग दे दोगे काम बन जाएगा, मार्जिन पैडिंग दे दोगे काम बन जाएगा, देखो वही है, मार्जिन पैडिंग दे दो इस डिप पे काम बन जाएगा, तो तुम कर सकते हो, ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज तो तुम कर सकते हो। मेन चीज है मुझे यार कि तुम्हें बता देना, देखो ऐसे ऐसे करना है दोस्त, तुम कर लोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, आप करके ले जाओगे, सही है, सही है। क्या करने वाले यार, ये वाला पार्ट करने वाले, तो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद चीजों को कोड में कन्वर्ट करते हैं, स्टाइलिंग कर देंगे थोड़ी बहुत टेलविंड से, जो कि हम टेलविंड बोलते हैं कि भाई सब थोड़े में काम बना दूंगा, ठीक है, ऐसा तुम्हें कुछ ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ी सी स्टाइलिंग में तुम्हारा काम परफेक्ट बन जाएगा। चलो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया दोस्त, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्त देखो, ये एक डिप मान ली, ठीक है, एक डिप मान ली जो कि बड़ी डिप है, ठीक है, मान ली बड़ी डिप मान ली, ठीक है, इतना पार्ट मान के चलो कि हाँ ये एक बड़ी डिप है, ठीक है, थोड़ा सा बिलीव मुझ पे, ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट, हाँ सर मान ली बड़ी डिप है। देन यार क्या करना है तुम्हें, ये एक डिप है, एक डिप ये ले लो, कलर बहुत गंदा सा है बट ठीक है, एक डिप ये ले लो, ये डिप ले ली, चलो जी एक डिप ये ले ली। अब ये डिप क्यों ली मैं तो बस एक डिप लूंगा, बाकी एक डिप ये बना दूंगा, एक डिप ये बना दूंगा, काम बना दूंगा। मैंने यार कर सकते हो, लेकिन अगर पैरेंट डिप ले लोगे और इसकी विड्थ तुम इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग कर दोगे, तो तुम मेरा अगर समझ रहे हो, मैं इसको ऐसे इसके इक्वल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्क्रॉल करूंगा, देखो ये सारी चीज़ें अलाइन कर रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलाइन कर रही है, मेरा यहाँ पे मोटिव वो है, आ रहा है समझ में दोस्त, आ रहा है समझ में। तो इसको मैं 60% विड्थ दूंगा, 60% विड्थ देने के बाद ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी, इस पर आइटम फ्लैक्स लगा देंगे, आइटम सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई सेंटर कर देंगे, ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। चलो जी इतनी बात भी समझ में आती है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फर्दर डिप ले लूँगा और एक और ले लूँगा, काम बन गया, एक डिप ये ली, एक डिप ये ली, और उस पर भी फ्लैक्स लगा देंगे, फ्लैक्स लगा के रो हो जाएगी, इस पर कॉलम लगा देंगे तो ऐसी हो जाएगी। तो आई थिंक तुम्हें फ्लैक्स बॉक्स भी पता है, ऑब्वियसली जब यहाँ तक आए हो तो पता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, बिल्कुल नहीं हो रही होगी, प्रोजेक्ट मस्त बन रहा होगा अभी तक। इसको भी मैं फर्दर कुछ डिप में डिवाइड कर लूंगा, एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात, सही है, एक सात डिप बना ली। सात डिप बना के तुम क्या नोटिस कर रहे हो, तुम्हें एक डिप बनानी है, एक डिप बना के तुम्हें सात डिप कॉपी कर देनी है, बस एक डिप बनानी है, सात की सात डिप कॉपी पेस्ट करनी है, और ये नहीं कि ये सात की सात कॉपी पेस्ट कर, यहाँ भी वही काम करेंगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इस पे मेहनत करनी है और इसके अंदर भी सिर्फ इस पे मेहनत करनी है, बाकी सारी चीज़ें ये दो सेक्शन तुम्हारे बन के रेडी है। आई कि नहीं आई दोस्त बात समझ में, फर्दर हाँ ये चीज़ तुम बोल सकते हो, ये चीज़ बोल सकते हो कि कलर बहुत अच्छा मैंने चूज़ किया है, सॉरी फॉर डैट, ये परफेक्ट होगा, एक ये है, ठीक है, एक ये है, इसके अंदर दो डिप है, बेसिकली एक इमेज है, इमेज के अंदर, इमेज के मतलब इमेज का सिबलिंग कौन है, एक पैराग्राफ टैग ले लिया है और काम डन है दोस्त, दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो रही है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट बता दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट बता दो। इसको मैं तुम्हें अब एक बार लिख के दिखाता हूँ कैसे कैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो दोस्त, एक ही मैंने कैपिटल मतलब एक सेक्शन बना लिया, ठीक है, एक सेक्शन बना लिया, सही है, पता नहीं कैपिटल क्या बोला था मैंने बट ठीक है। फिर इसको मैंने एक डिप बना लिया, ध्यान से देखना मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, एक डिप बना ली, उस डिप को फर्दर मैंने दो डिप में डिवाइड कर दिया, और इस डिप के अंदर सिंपल सी तुम्हारा टेक्स्ट आएगा जो कि ये है, इस डिप को तुमने डिवाइड किया, इस डिप के अंदर आएंगी तुम्हारी सात डिप आ गई। अब सात में से एक डिप के अंदर क्या आएगा, तुम्हारा एक इमेज टैग, ठीक है, एक इमेज टैग आएगा,
और उसका सिबलिंग क्या होगा, एक पैराग्राफ, बस इतना लॉजिक लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग लगा के काम बन जाएगा। इतनी ही हमारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इतनी ऑब्जर्वेशन। अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कुछ और बता रही है वो भी काम कर जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अभी आपको ये बताओ, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई दोस्त? आ गई, करें वर्क, करें, स्टार्ट करें कोडिंग करना, स्टार्ट करते हैं ना। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो देख लेंगे, ठीक है, कोई और दिक्कत आएगी तो देख लेंगे उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसको कट करते हैं, एक हम सेक्शन बना लेते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं कुछ, रिचार्ज एंड पे बिल्स ऑन पेटीएम। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और ऐसे कर देते हैं ना, ये सेक्शन बना लेते हैं। हमने क्या बनाना है, एक सेक्शन बनाना है, डन, एक सेक्शन डन। अब एक सेक्शन बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर एक डिव बनानी है, डन, एक डिव डन। चलो इसके अंदर तुम्हें क्या बनानी है, 7 डिव बनानी है। नहीं, ये 7 डिव नहीं, इसके अंदर पहले तुम्हें फर्दर 2 डिव्स क्रिएट करनी है। इस डिव के अंदर तुम्हारा ये वाली चीज आएगी, है ना, ये वाली चीज आएगी इस डिव के अंदर, मैं पहले लिख देता हूँ। और इस डिव के अंदर आएंगी तुम्हारी 7 डिव, ठीक है, तुम्हारी 7 डिव करके कुछ आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7 डिव हो गई, डन। अभी दिखेंगी नहीं तुम्हें, ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, मैं इनके अंदर कुछ लिख दूंगा तो ही दिखेगा, वरना कुछ नहीं दिखेगा, गोल गोल है सब, क्योंकि दुनिया गोल है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिखेगा। बट अभी मैं इनको कमेंट कर देता हूँ ना, अब इनको कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा हाई लेवल में वर्क करते हैं, ठीक है। हाई लेवल बोले तो ये जो है बैकग्राउंड है कुछ ऐसा सा बना लेते हैं, ठीक है, हाइट विड्थ ऐसी सी कर देते हैं, देन आगे की चीज़ें मूव करेंगे, ठीक है। पहले कुछ ऐसा सा बैकग्राउंड कलर बना लेते हैं करके। तो सेक्शन पे आते हैं, सबसे पहले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन से बोलते हैं क्लास देते हैं, क्लास बेस्ड स्टाइलिंग है, क्लास बेस्ड स्टाइलिंग क्यों कर रहे हैं, टेलविंड में यार यही करते हैं ना, टेलविंड में यही करते हैं। मुझे तो कस्टमाइजेशन करनी है, वो भी सिखाया है, कौन से लेक्चर में सिखाया है, लेक्चर नंबर 22 में, सही है। अभी हमें क्या देना है, इस पर विड्थ देनी है, विड्थ कितनी दूंगा दोस्त, विड्थ फुल कर देता हूँ। फुल क्या करेगा, ये 100% ले लेगा बेसिकली अपने पेरेंट के, और पेरेंट पे हमने क्या दे रखा है, जो साइज है वो दे रखा है, पहली चीज आई की जाए समझ में। अब हम कुछ ऐसा हाइट ले लेते हैं, ठीक है, हाइट ले लेते हैं, लेकिन अभी हमें दिखेगी नहीं, हमने हाइट हाइट बस इतनी होगी। एक काम करो, इसका बीजी और लो, है ना, बीजी और लो, और बीजी यार तुम नोटिस करो, ये वाला बीजी इस बीजी से मैच कर रहा है, साइन इन के अंदर जो लिखा है, ये वाला बीजी इस साइन इन के से मैच कर रहा है, और साइन इन में हमने कस्टम बीजी दिया था, इफ यू नोटिस दैट साइन बीजी में हमने कस्टम बीजी दिया था नीला, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो बीजी नीला लिखो और सब कुछ नीला ही नीला मिलेगा तुम्हें। आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, ये बता दो। आ गया, मस्त है, सारी चीजें डन है, लेकिन हमें मतलब हाइट थोड़ी लग रही है, तो हाइट को इंक्रीज कर लेंगे, पहले मैक्सिमम लेके आते हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम पे मिल जाएगा तो सही है, आई थिंक सो मिल जाएगा कि नहीं देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा है, बाकी सारी चीज़ तो डन है, बस थोड़ा सा ज़्यादा सा लग रहा है, मुझे सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम परफेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कोई नहीं, है ना। वरना तुम कस्टमाइजेशन कर सकते हो, तुम्हें देखो ये कितना है, 384 है, 350 पिक्सल कर लो कस्टमाइज। कस्टमाइज कैसे करते हैं, अरे दोस्त तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ ना, 350 पिक्सल हो गया कस्टमाइज। अब ये देखो, अब तुम मिलाओगे तो, अब देखो छोटा हो गया, अब तुम मिलाओगे तो छोटा हो गया। अब ये खेल करते रहो इसके साथ कि भाई साहब, देखो अभी भी हल्का सा छोटा लग रहा है ना, अभी भी हल्का सा छोटा लग रहा है, तो यार ये तो चलता रहेगा ना, ये तो चलता रहेगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वही अपना 96 कर देंगे, ये परफेक्ट सा लग रहा है ना, अभी छोटा लग रहा है। मैं कह रहा ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, 96 लगाओ और काम बन गया, बस 96 लगाओ काम बन गया, सही है दोस्त, सही है, और आई थिंक सो परफेक्ट भी लग रहा है, बट ठीक है जैसा भी, ये अच्छा लग रहा है। अब क्या करते हैं, अब ये आ गया रिचार्ज, एक काम करो इसमें विड्थ और दे दो, ठीक है, अब इसमें आओ, इस वाले में आओ, इसमें विड्थ दो, उसको सेंटर में लाना है ना, ये जो देखो डिव है, ये हमने पूरी डिव ड्रॉ करी थी, इस डिव को सेंटर में लाना है, अभी तो हमारा कोने पे चिपका पड़ा है, तो कोने पे नहीं चिपका हो, तो इसको क्या करो, क्लास दो, पहले तो एक विड्थ दे दो जो कि हम कस्टम देंगे, कस्टम को देंगे 60%, ठीक है, दिखी नहीं, दिखेगा ही नहीं 60%, मैंने कहा दिखाओ 60%, दिखाऊं तुम्हें 60% विड्थ, और हाइट दे दो फुल, अभी के लिए हाइट फुल दे दो जितनी भी है ना। अब मैं देखो इसमें बैक बॉर्डर दूंगा ना, बॉर्डर शायद से बॉर्डर दिख जाए, दिख रहा है बॉर्डर, दिख रहा है दोस्त बॉर्डर, हाँ। अब क्या करो, इसको सेंटर करो, कैसे करोगे, इसको सेंटर करने के लिए, ये तो हमारा एक आइटम है, इसको सेंटर करने के लिए पेरेंट पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, पेरेंट क्या हमारा क्लास है,
तो क्लास से बोलो सर आप हो जाओ फ्लैक्स जल्दी से, और आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, काम डन है, काम डन है, सेंटर में आ गई चीज़ें, बस इतना काम कर लिया, काम अभी का डन है। अब अभी का तो डन हो गया, आगे का डन अभी करते हैं, बॉर्डर को हटा देते हैं, सही है। अब क्या करो दोस्त, अब कार्ड बनाओ, ठीक है, ये तो ये सारी चीज़ें भी सेंटर में आ गई होंगी, आ गई सारी चीज़ें सेंटर में, हाँ यही तो दिखाना चाह रहा था मैं आपको। अब एक एक कार्ड को पहले ब्रेक करो, एक डिव चाहिए थी, ठीक है, अब डिव के अंदर क्या चाहिए था दोस्त, डिव के अंदर तुम्हें चाहिए था एक इमेज टैग चाहिए था, है ना, क्या आ गया आई जी, एक इमेज टैग चाहिए था, एक इमेज टैग के बाद दोस्त तुम्हें क्या चाहिए था, वो था तुम्हारा पी टैग, ठीक है, इमेज टैग के बाद क्या चाहिए था, वो था तुम्हारा पी टैग। अब पी टैग ये सारी चीज़ आ गई, दिख नहीं रही है दोस्त, दिख नहीं रही, कैसे दिखेंगी, अभी दिखेंगी। अब इमेज ढूंढ के लाओ, ये इमेज कौन सी होगी, पहले इमेज का सोर्स देखो, तो सेक्शन में लास्ट इमेज देखो, लास्ट इमेज सेक्शन में कौन सी थी, लास्ट इमेज सेक्शन में थी एसेट 3, तो वो एसेट 4 करके हो सकता है, मे बी देखते हैं ना, एसेट 4 करके है क्या कुछ, पेटीएम एसेट्स, एसेट 4 करके देखो, हाँ ये है, तो अगर ये हुई तो बहुत अच्छी बात है, वरना देख लें, वही है, वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वही है, सही है यार। चलो अब तुम्हें ये चाहिए होगा, इसको करो रिचार्ज एंड पेड, कहाँ गए भाई, कहाँ गए, ठीक है इसको कॉपी कर लो टेक्स्ट को, ऐसे थोड़ी ऐसे होगा, सही है, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, बहुत सही, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने BR टैग दे रखा है, तुम्हें कैसे पता चला, मैंने कहा यार देखो ये अलग अलग लाइन में आया, और ये ना बहुत पहले कर चुके हैं, प्रोजेक्ट नंबर आई थिंक 6 या 5 में ये चीज़ हमने देख ली थी, है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये अलग अलग टैग में दे रखा होगा, नहीं यकीन आ रहा, मैं यकीन दिलाता हूँ, रुको इस पर अगर हम करें इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करें दोस्त, इंस्पेक्ट करके देखोगे तुम, ये डिव है, अब इसके डिव के अंदर देखो प्रीपेड लिख रखा है, इसके अंदर एक और डिव ले रखी है जिसके अंदर मोबाइल लिख रखा है, तो अलग अलग टैग का इस्तेमाल करके इन्होंने अलग अलग चीज़ें कर रखी है, दिख रहा है, तो डिव दे रखी है, बेसिकली डिव क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है जिससे कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, तुम उसकी जगह BR टैग भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ही तुम्हारी इच्छा करे वैसा कर लो दोस्त। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे विड्थ फिक्स कर सकते हैं ना, विड्थ फिक्स कर सकते हैं, अब वो हमें कैसे पता चलेगा, विड्थ अगर फिक्स करनी होगी तो हम इसका रेस्पॉन्सिव में देख लेंगे, तो रेस्पॉन्सिव में इतनी नीड पड़ नहीं रही है ना, रेस्पॉन्सिव में इतनी नीड पड़ नहीं रही है ना, इतना इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी चुपके से जाएंगे BR टैग दे देंगे, मुझे नहीं देना BR टैग, कोई बोलेगा मुझे नहीं देना BR टैग, मैंने कहा मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विड्थ दे दो। अब यार मैं विड्थ क्यों बोल रहा हूँ यार, देखो ये सारी चीज़ें ना पीछे से रिलेटेड है ना, पीछे वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर हो चुकी है, अगर तुम कंटिन्यू हो, एकदम कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, एकदम ईमानदारी से, तो तुम्हें पता है सारी चीज़ें, है ना, तुम्हें पता है। और ये तो यार आई थिंक मैंने यहाँ भी कराया था, ये तो बहुत हल्की चीज़ है, सही है। चलो अब हमारा देखो कुछ ऐसा सा आ गया, ठीक है, ऐसा सा आ गया ना, बहुत सही है। अब यार ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि एक कार्ड को बना ले पहले, ठीक है, ये पूरा एकदम होवर के साथ, ये पहले आइकन लाते हैं, पहले आइकन लाते हैं, ठीक है, देखो क्या, तो ये वाला आइकन क्या, तो देखो यार ये वाला आइकन दे दो ना, क्या तो ये वाला आइकन दे दो, सही है, क्या तो ये वाला आइकन दे दो, लेकिन इस आइकन में और इस आइकन में बहुत अंतर है, ठीक है, इस आइकन में और इस आइकन में बहुत अंतर है, थोड़ा एंगल का डिफरेंस है, तो एक आइकन ले आते हैं, ठीक है, कस्टम आइकन ले आते हैं फॉन्ट ऑसम से, है ना, फॉन्ट ऑसम से एक आइकन लेके आते हैं और जल्दी से लाते हैं, एक कार्ड बनाएंगे दोस्त, अभी मैं बता दूं क्या सोच रहा था ना, अभी मैं बताता हूं दोस्त क्या सोच रहा हूं, बोलो इसको बोलो कुछ, दिख रहा है क्या कोई आइकन, देखो जिन पे प्रो लिखा है ना भाई साहब, प्रो है वो, पैसों वाली चीज है, यहां पे लिखो यार तुम एरो, नहीं एरो तो नहीं है, एंगल लिखना, एंगल 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 एंगल, कौन सा एंगल है वो यार, ये सारी चीज़ें प्रो हैं, हम कर सकते हैं क्या इनको सेलेक्ट, मैं फ्री पे क्लिक करता हूँ, आ गए भाई फ्री वाले आ गए, देखो आ गए ना, ये एंगल राइट, इसको कर लो जल्दी से, है ना, इसको तुमने सेलेक्ट कर लिया, बहुत इजी, कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। चलो जी
इसका कलर एक तो वाइट कर लो, है ना, देखो वाइट हो गया, कहाँ गया, देखो दिख रहा है वाइट, हाँ, और इसको कॉपी कर लो, सिंपल सी चीज़ है, दो चीज़ें करी हैं तुमने, काम डन है, और इसकी जगह उस आइकन को पेस्ट कर दो। आइकन तैयार है तुम्हारा दोस्त, आइकन तैयार है, आ गया आइकन, आ गया कि नहीं आ गया आइकन, बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। अभी आइकन कैसे आया मैं बताता हूँ कैसे आया, अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं इसमें से ये चीज़ को हटा के, तो आइकन गायब हो जाएगा, है ना, गायब हो जाएगा। हमें चाहिए सी डी एन का लिंक, ठीक है, हमें चाहिए एक सी डी एन का लिंक जो कि ये रहा है, ठीक है, सी डी एन का लिंक दिख रहा है मस्त करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी डी एन का लिंक कहाँ से आएगा, यहाँ पे लिखो सी डी एन और फॉन्ट ऑसम। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा, हैं चलाक बन रहे हो चलाक, ये सी डी एन का लिंक कहाँ से आया, सी डी एन का लिंक कहाँ से आया। मैंने कहा दोस्त ये मैं दोबारा कर रहा हूँ रिकॉर्ड, है ना, दोबारा कर रहा हूँ रिकॉर्ड, कर लिया था पीछे से पों पों हो गई, ठीक है, बसेस आ गई बहुत सारी, तो दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो कहाँ से आएगा सी डी एन का लिंक, या सी डी एन का लिंक यहाँ से आएगा, ठीक है, ये जो है ना इसको कोई से भी कॉपी कर लो, ये कॉपी लिंक टैग, इस लिंक टैग को कॉपी करो, और मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, ये इतना इतना है, ठीक है, इसको हटा दिया और इसको पेस्ट कर लो, और जस्ट पेस्ट करते ही क्या होएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, पेस्ट करते ही ये आ गया तुम्हारा आइकन, अगर ये नहीं दोगे तो नहीं आएगा। तो बेसिकली पता क्यों नहीं आएगा यार, हमारे उसको क्या पता कि एफ सॉलिड क्या होता है, एफ एंगल राइट क्या होता है, इसको नहीं पता क्या 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 सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। पता एक चीज़ और करोगे तो, अगर मैं लेफ्ट करूँ तो वो लेफ्ट हो जाएगा, देखो लेफ्ट हो गया, है ना, अप करूँ, देखा नहीं देखा, तो ये भी तुम क्या समझ सकते हो यार, ये भी तुम्हारा क्लास बेस है, तो कुछ तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही होगी, है ना, कुछ तो यहाँ पे भी लग रहा होगा क्लास बेस। तो देखो सारी चीज़ें तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है यार क्या हो रही है। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे अपने, और जो कि हमारा मेन टॉपिक है यार, इसको कुछ ऐसा सा बनाने का है ना, अभी तक हमारा ऐसा ऐसा लग रहा है, तो हमने क्या कहा यार, इसको अगर तुम्हें ऐसा 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 बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक पहले कार्ड बनाते हैं, ठीक है, एक कार्ड बनाते हैं, एक कार्ड बनने के बाद दोस्त क्या करेंगे, उसी को 7 बार कॉपी कर देंगे। अगर हम 7 कार्ड अभी बना के चलें तो दिक्कत आ जाएगी, पहले उसमें दो, इसमें दो, उसमें दो, स्टाइलिंग, एक को परफेक्ट करेंगे, एक को परफेक्ट करने के बाद क्या करना है दोस्त, कॉपी पेस्ट। चलो तो तुम पहले इमेज का साइज छोटा करो, सबसे पहले इमेज पे आओ, ठीक है, इमेज पे आ गए, इमेज में क्लास दो, एक क्लास दे दी, अब विड्थ दो कुछ, ठीक है, 20 की रेंज में दो, 20 24, बड़ी लग रहा है ना, बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, 20 है कुछ होगा भाई, सही लग रहा है लेकिन हल्का सा बड़ा लग रहा है, ठीक है, 1 की रेंज में 18 है, 16 है, आई थिंक सो सही लग रहा है, एकदम परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है दोस्त, कोई दिक्कत दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है, तुम्हें दिख रही है कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं दिख रही है, सही है सही है, चलो जी सही है, इतना चीज सही है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा रिचार्ज है, ठीक है, रिचार्ज प्रीपेड, यार एक काम करो, एक काम करो, ये डिव है ना तुम्हारी, ये डिव है ना, इसको करो क्लास दो, और पहले इसका बीजी कर लो एक, ऐसी कुछ अपनी मर्जी से, है ना, ये वाला तो ट्रांसपेरेंट हो गया, अभी मैं बताता हूँ, देखो बीजी ले लिया, क्या था, ठीक है, ये देखो बीजी ले लिया, इतना बड़ा सा आ रहा है, पहले तो इसकी विड्थ कंट्रोल करो, ठीक है, विड्थ कैसे कंट्रोल करोगे, एक डिव है ना, इसकी विड्थ दे दो कुछ, बेसिकली विड्थ दे दो 12 दे दी, तो बहुत छोटा हो गया, 12 दे दी बहुत छोटा हो गया, 28 दी थोड़ा सही लग रहा है ना, 28 दी थोड़ा सही लग रहा है। अब क्या करो, रिचार्ज का करो सीन, है ना, रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल वाला सीन संभालो, रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल वाला सीन ये है, क्लास दो, टेक्स्ट पहले तो वाइट कर दो, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या करना चाहिए, टेक्स्ट को वाइट कर दो, ओके, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, थोड़ा इसका फॉन्ट साइज को भी है सीन, है ना, तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट बेसिकली फॉन्ट साइज नहीं, टेक्स्ट, मेरा फॉन्ट साइज ही निकलता है, कोई बात नहीं, बेस देखते हैं फर्क आया, छोटा हो गया भाई, छोटा हो गया, लार्ज सही लग रहा है ना, सही लग रहा है। और ये करने के बाद दोस्त क्या करो, ये कर लिया, इतनी चीज कर ली, अब तुम्हें क्या करना है, इसका फॉन्ट वेट दे दो, बेसिकली फॉन्ट वेट क्या, फॉन्ट देखो ये सारे नॉर्मल, सेमी बोल्ड, मैं मीडियम अप्लाई करता हूँ, सही है, मुझे ज्यादा सा लग रहा है, बट थोड़ा सही है ना, सही है ना, इतना ज्यादा भी नहीं लग रहा, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
अब एक चीज देखो, एक चीज नोटिस करो, इतना पार्ट तो हमने बना लिया है ना, इतना पार्ट बना लिया है। अब इनके बीच में गैप भी दो, ठीक है, इनके बीच में गैप दो, यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे देखो बिल्कुल नहीं है। तो गैप कैसे देंगे, ये जो डिव है इसको फ्लैक्स बना लो, है ना, डिव है फ्लैक्स बना लो, फ्लैक्स बन गई। अब ये तक गंदा सा हो जाएगा। फ्लैक्स बनने के बाद दोस्त क्या करो तुम, इसको कर दो फ्लैक्स रो, बेसिकली कॉलम, रो तो रहती है डिफॉल्ट, फ्लैक्स कॉलम। अब क्या करो, गैप अप्लाई कर दो, सिंपल सी चीज़ है, तीन का गैप अप्लाई करोगे, ये चीज़ होगी, है ना, गैप भी आ गया और सारी चीज़ें डन है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, अभी देखो, अब इसमें दो कुछ पैडिंग वगैरह, क्योंकि देखो यहाँ से थोड़ा गैप दिख रहा है, यहाँ से गैप दिख रहा है ना, यहाँ से गैप दिख रहा है, यहाँ से गैप दिख रहा है, और साइडों से भी गैप है। तो साइडों के लिए तो विड्थ बढ़ा सकते हैं ना, साइडों के लिए तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, 20 कर देते हैं, काम करते हैं 20 कर देते हैं। अरे 20 बेकार होती है, अच्छा गलत जगह दे दी 20, बेसिकली यहाँ पे 28 दे रखी हमने, 30 दे लो, 32 सही है, 32 हो गई। अब पैडिंग दो, ठीक है, अब पैडिंग दो इसमें। पैडिंग कैसे देंगे, पी लिखो, और पी में जस्ट नॉर्मल अभी देख के देखता हूँ कितना, फॉर एग्जाम्पल 3 दे दी, तो 3 कुछ ऐसा सा आया है ना, 3 कुछ ऐसा सा आ गया है, सही है, सही है, लेकिन अभी मज़ा नहीं आ रहा ना, अभी देखो मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो एक काम करो, पी एक्स, पी एक्स का मतलब क्या होता है दोस्त, लेफ्ट राइट, है ना, एक्स एक्सिस ना लेफ्ट राइट, अगर मैं पी वाई कर दूंगा तो टॉप बॉटम, तो पी एक्स में इतनी दे दो, देखो टॉप बॉटम में नहीं आई होगी, इधर आ गई, तो टॉप बॉटम से भी ले लेते हैं कुछ, 4 कर देते हैं इसे, और पी वाई 3 सही है, कोई इतना डिफरेंस दिख नहीं रहा, बट ठीक है, अलग अलग देखें हम नेता बन गए, कोई बात नहीं, 36 सही है, ये चीज थोड़ी ज्यादा दिख रही है यार, विड्थ 40 है क्या, कुछ 40 का जुगाड़ हो जाएगा क्या, 40 का हो गया जुगाड़ भाई, ये क्या हुआ, अच्छा 40 जैसी विड्थ नहीं होती क्या कुछ, यार होती तो है 40 आ गया, अच्छा हमने रिफ्रेश नहीं करोगे तो बढ़िया लग रहा है ना, अब लग रहा है बढ़िया सा, अब लग रहा है बढ़िया, सही है। अभी क्या करो, इसका थोड़ा राउंडेड भी कर दो, राउंडेड कैसे करेंगे, सिंपल सा राउंडेड लिखो, बताओ लार्ज से लो भाई, लार्ज ले लो, यहाँ पे थोड़ा लार्ज से ज़्यादा लिख रहा है ना, लार्ज से ज़्यादा सा लग रहा है, तो लार्ज की जगह थोड़ा एक्सेल कर दो, 2XL कर लो, अगर 2XL करोगे तो ऐसा, अब बढ़िया लग रहा है, अब आ रही है फील, है ना, इतना बना लिया, देखो एक कार्ड बन के आई थिंक तो रेडी हो गया, बस तुम्हें देखो मैं मज़ा दिखाता हूँ, होवर पे ये कर दो, बढ़िया, बस कलर ही तो डिफरेंस है, कलर डिफरेंस है, अभी कलर लगा लेंगे, सही है, एक कार्ड, अभी देखो इन सब पे ध्यान मत दो, अभी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, सारी चीज़ आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, जस्ट अभी तुम इस पे ध्यान दो, है ना, सही है। लेकिन यार यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ये तो एकदम प्यार से आ रहा है, ठीक है, एक प्यार से आ रहा है, ये एकदम झटके से आ रहा है कि भाई क्या क्या चाह रहा है, क्या चाह क्या रहा हो तुम, है ना, ये तो प्यार से आ रहा है, एकदम झटके से आ रहा है, तो इसका झटका हटाना है, ठीक है, तो कैसे करना है, ट्रांजिशन अप्लाई करना पड़ेगा, और ट्रांजिशन कैसे अप्लाई होगा मेरे दोस्त, ट्रांजिशन अप्लाई होगा ट्रांजिशन ऑल, मेरी स्पेलिंग में गड़बड़ है, ठीक है, प्रॉपर्टी में नहीं है, ट्रांजिशन ऑल सब पे अप्लाई कर दो ट्रांजिशन, कुछ हुआ फर्क, अरे ऐसे कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर दिख गया, थोड़ा हल्का सा, देखो आई थिंक सो काम बन गया है, वो झटका तो तुमने खत्म कर दिया है, ठीक है, वो एक इंस्टेंट जर्क तो खत्म कर दिया है, तो मुझे लग रहा है काम बन गया है ना, टाइम वाइम देने की इतनी नीड नहीं लग रही है, काम तो बन चुका है, ऐसी काम बन गया है, काम बन गया ना, ऐसी डन, इतना ही करना है दोस्त, इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना ही करना है। अब बस कलर का देख लो, कलर का सीन देख लो, कलर ये वाला है, अब इस कलर को कैसे पकड़ेंगे, मैं बताता हूँ कैसे पकड़ेंगे कलर को, अगर हम देखो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाने के बाद है ना, कलर पिकर में इसको कैसे सेलेक्ट करूँ मैं, कहाँ गया, गायब हो गया वो, तो ये नहीं चाहिए, नाइस दोस्त, कलर चोरी कर रहे हैं हम, ठीक है, कैसे करा, इंस्पेक्ट करा, फिर इंस्पेक्ट के बाद वहाँ रख गए तो शायद से रुक गया होगा, तो कॉपी कर लो, हाँ सही है, कॉपी कर लो, ठीक है, तो इस टेलविंड में आके कर लो इसको एकदम मस्त करके इंतज़ाम, इसको बोल लो डार्क नीला, नीला लाइट नीला, सॉरी दोस्तों, लाइट नीला,
कस्टम कलर तैयार है, कस्टम कलर एकदम रेडीमेड हमारा तैयार है। तो यहाँ पे इसकी जगह तुम्हें क्या लिखना है, लाइट नीला, लाइट कलर नहीं लाइट नीला, LIGHT नीला, सही है, तैयार है, मस्त एकदम मस्त। देखें देखें कैसा लग रहा है, कुछ 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 लग रहा है सिमिलर सा दोस्त, कुछ सिमिलर सा लग रहा है। हाँ लग तो रहा है, कुछ तो बना दिए हैं, ठीक है कुछ तो बना दिए हैं। अच्छा कुछ बना दिए हैं, अभी मैं बताता हूँ। देखो इसको कितनी बार दोस्त कॉपी करो, दोस्त इसको कितनी बार कॉपी करो, 1 2 3 4 5 ये क्या हुआ है, तो इधर इधर आ गए एकदम। अच्छा इधर आ गए तो कुछ नहीं करना, इसकी पेरेंट भी बताओ, पेरेंट भी है, क्लास दो दो, फ्लैक्स बना दो, रो में आ जाएंगे ये तो। भाई देख रहे हो तुम फ्लैक्स बॉक्स का कमाल, देख रहे हो रो में आ गए सारे के सारे, है ना रो में आ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, एकदम रो में आ गए मस्त करके। लेकिन मुझे एक कमी दिख रही है, ठीक है एक कमी दिख रही है जो कि तुम भी नोटिस कर पा सकते हो, कर पा रहे हो। इनके बीच में ना गैप है, ठीक है देखो इनके बीच में एकदम चिपके पड़े हैं, इनके बीच देखो एकदम चिपके पड़े हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा गैप है। देखो इनके बीच में जो दिख रहा है गैप, गैप 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 गैप, नोटिस कर पा रहे हो तुम, गैप नोटिस कर पा रहे हो, बहुत है गैप, है ना। तो हमें गैप चाहिए तो क्या करेंगे, गैप दे देंगे, ठीक है गैप देते हैं, कुछ काम बनता है तो गैप, ये तो इनका है यार। हमने देखो गैप दिया तो है ना, गैप आया तो है, लेकिन ये पिचकने लगी है, देखो ये पिचकने लगे हैं ना, ये पिचकने लगे हैं गैप दे के, देख रहे हो तुम, ये गैप आ तो गया लेकिन ये स्क्वीज होने लगे हैं, नहीं दिख रहा तुम्हें स्क्वीज हो रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना दोस्त ध्यान से देखना, पिचक गए, गैप बढ़ गया लेकिन पिचक गए, गैप बढ़ चुका है लेकिन पिचक चुके हैं। तो यार अच्छे नहीं लग रहे, इतने अच्छे नहीं लग रहे ना, इतने अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ऐसे ही सही लग रहा है ना। देखो इसका ना इसका एक है सोल्यूशन है, तुमने यहाँ पे विड्थ बढ़ा दो, तुमने 60 कर रखा है ना, यहाँ पे तुम 80 कर दो, देखो गैप भी आ जाएगा, ठीक है गैप भी आ जाएगा और सारी चीज़ें डन हो जाएंगी, गैप भी आ जाएगा तो सारी चीज़ें डन हो जाएंगी। लेकिन फिर मुझे क्या चाहिए, ये इसके साथ एकदम वो फील नहीं आ रही, ठीक है ये देखो ये कहीं जा रहा है तुम्हारा नैव बार, ये कहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है व्हाट इज दिस, तो मज़ा नहीं आ रहा। इसको ऐसे ही रखो, थोड़ा गैप तुम देखो, तुम्हें मेन चीज़ तो पता चल गई है, देखो इनका इनका भी नहीं होगा, देखो इनका भी देखो थोड़ा सा ये जा रहा है, ये ओवरफ्लो हो रहा है इतना, यहाँ से भी देखो यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी ओवरफ्लो हो रहा है और यहाँ से भी। बट यार जब हमारा बनेगा ना, हमारा सिर्फ इसके अंदर ही आएगी सारी चीज़ें, इसके अंदर ही आएगी सारी चीज़ें, ये भी है तो समझ रहे हो, होप तो समझ रहे हो। तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे बढ़ा के इसको, तुमने यहाँ पे फुल लिख रखा है ना, इसको सेंटर में कर सकते हो, ऑलरेडी सेंटर में है ठीक है, तो उसको वैसे कर सकते हो। आया समझ में, आया कि नहीं आया दोस्त समझ में ये बताओ। चलो सही है, इतना तुम्हें पता चल गया। अब क्या करो, इसको कर दो रिचार्ज एंड पे बिल्स ऑन पेटीएम, इसको करो हैंडल, है ना इसको कर लो, और बाकी सारी चीज़ें तो डन है, बाकी देखो सारी चीज़ें तो डन है, एरो भी मस्त चल रहा है और ये सारी चीज़ें डन है, सही है दोस्त। तो रिचार्ज एंड, अरे भाई रिचार्ज एंड पे बिल्स को कैसे करोगे, डिवाओ क्लास दो, है ना क्लास दो, भाई क्या दे दिया है, क्लास दो, क्लास देने के बाद सबसे पहले तुमने क्या नोटिस करा भाई, फॉन्ट बड़ा है, ठीक है फॉन्ट बड़ा है, टेक्स्ट को पकड़ो लार्ज, 5 XL कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा हो गया, 4 XL कर देते हैं, सही है ना सही है। फॉन्ट वेट करो, फॉन्ट वेट इसका करो लाइक तुम कर दो सेमी बोल्ड, और इसका कलर वाइट, टेक्स्ट वाइट, रिलोड, सही है, मुझे तो सही लग रहा है भाई, कहाँ जा रहे हो, मुझे तो सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, सेमी बोल्ड लिखा है बोल्ड कर दो, बस ज़्यादा ना हो बोल्ड, सही है अब सही है भाई, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है ना, अब सही लग रहा है। चलो जी एकदम बढ़िया। अब क्या करो, देखो तुमने इसमें हाइट फुल दी थी है ना, हाइट फुल दी थी, बेसिकली हाइट फुल को छोड़ो, लेकिन इनके बीच में गैप जनरेट करो, इनके बीच में गैप जनरेट करो, देखो गैप आ रहा है ना, तो गैप कैसे दे सकते हो, ये तुमने दिया था ना, गैप कैसे दे सकते हो, देखो दो तरीके हैं यहाँ पे गैप देने के, मैं बताता हूँ दोस्त, ठीक है एक तुम्हारी ये डिव है, ठीक है एक ये तुम्हारी ये डिव है, क्या तो तुम इस पर दे दो मार्जिन टॉप, मैं बताता हूँ ना, मार्जिन टॉप दे दो और यहाँ पे दे दो 10, देखो इससे खिसक गया थोड़ा सा, खिसका 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 ना खिसका, आई चीज समझ में, आ गई चीज समझ में, सही है।
या फिर तुम्हें अगर मार्जिन टॉप नहीं देना तो तुम्हें तीन प्रॉपर्टी देनी पड़ेंगी, कहाँ पे यहाँ पे जाके तुम आइटम को करोगे फ्लैक्स, ठीक है, फिर फ्लैक्स को तुम कॉलम बनाओगे, कॉलम बना के तुम तब गैप दोगे। तो तुम अगर ये करना चाहो ये कर लो, ये बेस्ट है ना, ये बेस्ट है, एक ही लाइन में काम बन गया, अच्छा गैप भी आ गया और सारी चीज़ें हो गई ना, गैप भी आ गया और देखो सारी चीज़ें हो गई, सही है, सही है दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ मस्त चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सेंटर में लाना है। देखो इसको सेंटर में लाने का मैं तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसकी तुम हाइट कम करते रहोगे ना तो ये काम करता रहेगा। हाइट फुल रखी थी है ना, हाइट फुल रखी थी, हाइट फुल मत दो, हाइट दोस्त फुल मत दो, इसकी हाइट तुम फॉर एग्जाम्पल 50% कर दो, देखो आ गया सेंटर है। तो हाइट कम हुई, उसने पर्टिकुलर चीज़ को सेंटर में कर लिया बेसिकली। ये तो डिव की तुमने पहले हाइट पूरी दे रखी थी, लेकिन तुमने इसको सेंटर में किया, इसने सेंटर में कर ली है चीज़ें अपने आप। या फिर देखो अगर तुम देखो नहीं करोगे ना सेंटर में, देखो एक तरीका और, देखो सारे तरीके बता रहा हूँ मैं तुम्हें, टेंशन मत दो ना, टेंशन मत लो, इसको फ्लैक्स बनाओ। फ्लैक्स बनाया ऐसा आया, फ्लैक्स कॉल कर दो है ना, फ्लैक्स को कॉल कर दो, कर दिया। अब करो जस्टिफाई सेंटर, आ गई चीज़ें सेंटर में, ये भी तरीका है। तो तुम बहुत सारे ऑप्शन है दोस्त, बहुत सारे ऑप्शन है, जो ऑप्शन बोलोगे वो ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हें तरीके पता होना चाहिए कि तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, सारी चीज़ें तुम्हारे सामने है ना, सारी चीज़ें तुम्हारे सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सही चीज़ है। तो ये बना लिया, देखो एक सेक्शन बन के तैयार है पूरा सेक्शन तुम्हारा, कोई दिक्कत दिख रही है तुम्हें? भाई मुझे तो नहीं दिख रही, मुझे तो एकदम मस्त सा लग रहा है ना, मस्त सा लग रहा है, बस ये कार्ड थोड़े वो लग रहे हैं पतले पतले से, तुम इनकी हाइट और विड्थ देखे यार वो भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तुम देखो यहाँ पे देखो, देखोगे ना ये यहाँ से इतना फालतू निकल रहा है, यहाँ से फिर इतना फालतू निकल रहा है, तो तुम थोड़ी सी विड्थ बढ़ाओ, ये भी अपने आप को थोड़ा फैलाएंगे और काम बन जाएगा। तो हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, हमें मेरा क्या है, मैं सोच रहा हूँ इसके साइड 7x7 लेके चलो ना, इसके 7x7 लेके चलो, तब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये चीज़ डन है, डन है जी। अब मैं क्या कहता हूँ तुमसे, इसको ही कॉपी कर लो, ठीक है, इसको ही कॉपी कर लो, इसको बंद करो, इसको ऐसे करो। अब ये ध्यान से देखो, कुछ लग रहा है, कुछ एकदम सेम सेम सा लग रहा है। हाँ यार सेम सेम सा तो लग रहा है, यहाँ भी तुम्हारा ऐसा है, अच्छा अच्छा ऐसा है, इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है, अच्छा इसका कलर कौन सा है, इसका कलर ये वाला है, अंदर वाला, अंदर वाला कब दिया था, हमने कस्टमाइजेशन करी थी, तो बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इसको कस्टमाइजेशन करी थी, और कौन से कलर से करी थी, डार्क नीला, जादू देखो दोस्त, तैयार है। एक में मेहनत करी दोस्त है ना, एक को हमने पूरा डिवाइड किया, एक सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर एक डिव बनाई जो एकदम मेजर डिव है, उसके अंदर दो डिव बनाई, फिर तुमने एक अलग डिव बनाई, ये तीसरी डिव जो दिख रही है ना, तीसरी डिव, उसके अंदर तुमने 7 फर्दर डिव बनाई, एक ही डिव बनाई उसको कॉपी पेस्ट कर दिया 7 बार, और तुम्हारा ये देखो 2 पार्ट बन के तैयार हो गए हैं, 2 पार्ट। क्या इसको बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं? हाँ यार डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है, मैंने तुम्हें बताया ना, देखो हाइट से तुम कर सकते हो, ठीक है, फ्लैक्स से तुम सेंटर में ले आयो, तो काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है, काफ़ी सारे तरीके, बस ये है कि तुम्हें कितनी प्रॉपर्टीज का पता है। और वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा दोस्त, प्रैक्टिस से पता चलेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना काम करोगे, होती जाएंगी। सबसे बेस्ट तरीका है ना चीज़ों को, वो प्रोजेक्ट बना के सीखने का दोस्त, जितने प्रोजेक्ट बनाओगे, चाहे तुम खुद से बनाओ, ठीक है, और तुम ट्यूटोरियल देखो, ठीक है, सीखो क्या हो रहा है, ठीक है, क्या अप्रोच फॉलो कर सकता हूँ मैं, क्या अप्रोच लगा रहा था, ये क्या अप्रोच से बता रहा है, खुद से बनाओ प्रोजेक्ट, तुम फंसोगे, तुम सीखोगे, फंसोगे सीखोगे, यही है तरीका, वरना और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, यही तरीका और कोई तरीका नहीं है। ट्यूटोरियल देखोगे भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ट्यूटोरियल देख के अगर कुछ सीख रहे हो तो उसको अप्लाई करो, चीज़ों में अप्लाई करो, करते रहो करते रहो करते रहो, जिसने भाई करा ना वो है विजेता, वरना तो रट्टाइफिकेशन चल रहा है हर जगह, मैं बता रहा हूँ सच्ची, ठीक है, ज्ञान से वापिस आते हैं, अब काम पे फोकस करते हैं। ये चीज़ बन गई, ठीक है, क्या इमेजेस कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लोगे तुम? क्या ये चीज़ मुझे करने की नीड है, बताओ दोस्त, क्या ये चीज़ मुझे करने की नीड है, या तुम कॉपी पेस्ट कर लोगे, ये बता दो। सब चीज़ सेम है, सब चीज़ सेम है ना, सब चीज़ सेम है दोस्त, ठीक है, रिचार्ज पहले, अच्छा ये चलो इतना मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, चलो कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन है, अरे भाई, अरे अरे हमने तो, अरे कॉपी नहीं हो गया, अब वो कॉपी, ये वाला सेक्शन है, मैं कमेंट करके कर भी देता हूँ, डन है, ये वाला सेक्शन है, सही यार, ये वाला सेक्शन है, एंड बन गया, ये वाला सेक्शन भी है ना, बन गया। अच्छा यहाँ एक चीज़ दिक्कत देखो, अरे भाई क्या है भाई,
यहाँ एक चीज दिक्कत देखो दोस्त, है ना, दिक्कत तो नहीं है, ये चीज हमें सही करनी है। यहाँ देखो कलर, देखो यहाँ कलर डिफरेंट है, यहाँ कलर डिफरेंट है, यहाँ कलर डिफरेंट है, यहाँ कलर डिफरेंट है, कैसे करेंगे? इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट नहीं करना बेसिकली, तो उससे हमें उसको चीज को होल्ड करना है, ठीक है। ये कलर चूज करो, कॉपी करो, बैक करो, यहाँ पे आओ, कस्टमाइज करो कलर को, कैसे करेंगे? डार्क नीला, ठीक है, तो इसको करो LIGST, लाइट डार्क नीला, सही है दोस्त, लाइट डार्क नीला, बहुत अच्छा नाम लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो होवर पे दिया था हमने बेसिकली, कहाँ पे होवर पे, यहाँ हमें सारी जगह चेंज करना पड़ेगा ना, सारी जगह चेंज करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टी कर्सर का हमारे पास यूज़ करना आता है बहुत अच्छे से ना, मल्टी कर्सर को हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब चलो, गड़बड़ करने से बच गए हैं, बच गए हैं। धराओ लिखो यहाँ पे लाइट डार्क नीला, ये तो इनकी है, ये हमारा है, कुछ लग रहा है, कुछ मस्त सा लग रहा है दोस्त, क्रिएट कर दिया है ना मस्त। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, मूवी टिकट्स वगैरह, बाकी सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली छोटा कर लेगा, है ना। तो कहाँ पे ये सारी चीज़ें, है ना, देखो ये हुआ यार, ये तो मेहनत करना है, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट वाला सीन है, बाकी प्रोजेक्ट तो डन है। देखो मूवी टिकट्स आए, यहाँ पे मूवी टिकट्स आ गया होगा, और अच्छा लगने लगा होगा, ठीक है, और अच्छा लगने लगा होगा, सही है, और अच्छा लगने लगा है। यहाँ पे थोड़ा हाइट का सीन है दोस्त, हाइट का सीन है, देखो इसका भी तरीका बताता हूँ मैं, इसका भी तरीका बताता हूँ। ये डिव है, ये डिव है, इस डिव के अंदर हमें हाइट देनी है, हमने हाइट दे रखी नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, एक पहले हाइट दो, है ना, एच दो, जस्ट रैंडम 7 दे दिए, 7 देके क्या हुआ, ये देखो इतनी आ रही है ना, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, दिख रही है, इतनी हाइट दिख रही है, तुम 7 तो दी है, तुम यहाँ पे मिनिमम कर दो, जस्ट मिनिमम कर दो, देखो देखो ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है, हाँ, लेकिन यार पहले जैसी लग रही है, ये तो पहले जैसी लग रही है, कोई फायदा ही नहीं हुआ दोस्त, कोई फायदा ही नहीं हुआ, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था वो फायदा ही नहीं हुआ। यहाँ पे एक गैप दिख रहा है ना, ये गैप एक्चुअली है क्या, ये गैप अगर तुमने जान लिया तो तुम्हारे मोजा ही मोजा, ठीक है। और ये गैप कैसे जानेंगे दोस्त, ये गैप कैसे जानेंगे, गैप किस चीज़ का आ रहा है, इंस्पेक्ट करके, है ना, इंस्पेक्ट करके जानेंगे। अब बोलोगे यार ये तो बहुत गंदा सा हो गया, गंदा सा नहीं हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्त, है ना, ये गैप देखो, गैप किस चीज़ का आ रहा है, ओके ओके, ये एक्चुअली गैप तुम्हारा फ्लैक्स बॉक्स का है ना, ये गैप तुम्हारा फ्लैक्स बॉक्स का है, ठीक है, ये गैप तुम्हारा फ्लैक्स बॉक्स का है, तो तुम्हें वो गैप फ्लैक्स बॉक्स से कम करना है, तो उसके लिए चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स दिया था ना, फ्लैक्स कॉल, एक काम करो, इसको जस्टिफाई अराउंड करो, हुआ हुआ, अब बीच में गैप दे रखा है तुमने कुछ, है ना, तुम हीरो बने थे, इसको कर दो ऐसे, हुआ, हुई चीज़ें, हुई कि नहीं हुई चीज़ें, बोल दो, देखो सारी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, यह वही है, देख लेना दोस्त, है ना, थोड़ा देख लेना, लेकिन बन गया, ठीक है, बन गया, यहाँ पे सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट ही करनी है, बन गया है, लेकिन मैं ज़्यादा होशियार नहीं बनूंगा, मैं ना कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ऊपर वाली सारी चीज़ें, ठीक है, इतना तुम मैनेज कर सकते हो। फ्लैक्स फ्लैक्स कॉल, सही है दोस्त, सही है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, बाकी तुम ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, काम बन जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा तुम्हें ऐसा सिमिलर सिमिलर सा लग रहा होगा, इसकी इमेज चेंज करते हैं, ठीक है, इमेज चेंज करते हैं, और इमेज चेंज करते हैं, यहाँ पे कौन सी इमेज दी थी, 4 5 जैसा कुछ है क्या हमारे पास, एसेट 5, हाँ है PNG, क्या i5 आ गई, चेंज हो गई है ना, बाकी चीज़ें भी ऐसे चेंज करते हैं, 6 7 8। अब बोलोगे यार ये तुम्हें कैसे पता, है ना, ये तुम्हें कैसे पता, तुमने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर रखी हैं, कैसे कैसे हम इमेजेस लाते हैं, ठीक है, उसने कैसे कैसे डाउनलोड किए हैं, पता है सारी चीज़ें,
हो गई देखो सारी चीज़ें चेंज। अब थोड़ा तुम्हें सिमिलर मतलब डिफरेंट सा लग रहा होगा, वो बस तुम्हें टेक्स्ट चेंज करना है, वो तुम कर लोगे, वो तुम अच्छे हो ठीक है एकदम मस्त करके हो, चीज़ें संभाल लेते हो। अब यहाँ भी ऐसी इमेज चेंज करते हैं ठीक है। वहाँ पे हमने कहाँ तक किया था, वहाँ पे यार भूल गए, 10 तक किया था ना, 10 तक किया था। आओ अरे भाई साहब ये भी खुल गया, 10 तक किया था ना, यहाँ पे 11th से स्टार्ट करो ठीक है। 11th है देखो हुई क्या चेंज, 11th। हाँ अरे मूवी टिकट हो गई, होगी होगी मूवी टिकट है ना, 11th 12 13 ठीक है, 14 15 16 17 डन है, सारे काम डन है। अरे दो इमेज नहीं आई दोस्त, दो इमेज नहीं आई। कौन कौन सी नहीं आई, 11 12 13 14 15 16 17, 14 और 17 नहीं आई। 17 देखते हैं कुछ है कि नहीं हमारे पास 17 जैसा, है 17 वेब पी, तो यार देखो आ गई है, उसकी एक्सटेंशन अलग थी लेकिन आ गई है। सही यार दोस्त सही है। अब 14 पे जाते हैं, 14 जैसा 14 ए वी आई एफ, अलग एक्सटेंशन है लेकिन हाँ है, तो क्या पता यही हो, बिल्कुल यही है ठीक है। ट्रेन वाली चीज़ें भी आ गई हैं और बहुत मस्त लग रहा है ठीक है। हमने देखो 40 मिनट लगाए हैं इस चीज़ पे ठीक है, 40 मिनट लगाए हैं लेकिन वर्थ इट है, अकॉर्डिंग टू मी वर्थ इट है। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं आती तो तुम्हें अच्छे से आ गई होगा ठीक है, अच्छे से आ गई होगा कैसे तुमने डिस्ट्रक्चर करा चीज़ों को, कैसे अप्लाई किया, होवर करने पर भी इफेक्ट आ गया ठीक है, सारी चीज़ें तुमने सीख ली हैं दोस्त। नेक्स्ट चीज़ पर मूव करते हैं ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पर मूव करते हैं। ये चीज़ हमने बना ली एकदम मस्त करके, और मस्त करके चल रही यार अभी तक तो, साइड है ना मस्त करके चल रही है देखो अभी तक तो, इतना हमने पार्ट बनाया है और मस्त चल रहा है, चल रहा है मस्त। चलो जी आ गया हो, इसको क्रिएट करो है ना, इसको क्रिएट करो। तो यार इसको क्रिएट करते हैं, अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनना है ना। अब यहाँ एक मिनट रुको, इसको क्रिएट करना है बेसिकली, एक पार्ट को क्रिएट करना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप बन जाएंगी यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है, इतना तुम्हें समझ में आ रहा है। तो अब देखो दोस्त तुम्हारे पास ऑप्शन है ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इसको अलग डिव में बना सकते हो ठीक है, इसको अलग डिव में बना सकते हो, इसकी अलग डिव बना सकते हो, इसका अलग बना सकते हो पेरेंट ठीक है, या इंडिपेंडेंट बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है ठीक है, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा ठीक है, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ कि तुम वैसे भी कर सकते हो जो कि मैंने बता दिया। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं वो बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यार, ये तो पेरेंट लूंगा ही लूंगा ठीक है, ये तो पेरेंट लूंगा ही लूंगा। यहाँ से देखो यहाँ तक ये पेरेंट पेरेंट होगा ठीक है, ये सारी चीज़ पेरेंट होगी ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं एक सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, एक सेक्शन टैग है उसमें डाल दूंगा ये सारी चीज़ें ठीक है। सही है दोस्त, ये देखो सारी चीज़ें एक सेक्शन के तो अंदर आ गई है। फिर मैं क्या करूँगा, एक पेरेंट डिव करूँगा इन सब के लिए, पेरेंट डिव इतना ये हो गया, और इन सबको ये सारी चीज़ में डाल दूंगा ठीक है, इन सबको ये सारी चीज़ में डाल दूंगा, एक सेक्शन लिया ठीक है। और इस पेरेंट डिव की मैं विड्थ कैसे ऐड करूँगा, 60%, जिससे कि ये सारी चीज़ें देखो सेंटर में आ जाएँ ठीक है, सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएँ और तुम्हारे नैव बार के एकदम साइड बाई साइड चलें, बहुत मस्त करके ना, कोई दिक्कत ना आए, नैव बार के एकदम साथ चलें। सही है दोस्त, देखो ये चीज़ बना ली है, इतना बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है बट ठीक है समझो ठीक है, एनालॉजी समझो ठीक है, ये ड्राइंग 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 से मूव ऑन कर दो, ये बेकार सी चीज़ है। चलो पेरेंट डिव बनाई, सेक्शन बनाया, सेक्शन के बाद तुमने उसके अंदर डिव बनाई। मैं हाथों हाथ क्रिएट करता हूँ, मैंने हाथ के हाथ क्रिएट करता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ। ये तो तुमने पूरा बंद कर दिया, आओ 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 करते हैं, इसको बोलते हैं बिग बिग पार्ट करके कुछ बोल देते हैं ना, पता भी नहीं क्या है, इसको कॉपी करूंगा तो हटाना पड़ेगा, छोड़ो बिग पार्ट। देखो सेक्शन बनाया, सही है दोस्त, सेक्शन बन गया डन, चीज समझ में आई। सेक्शन के बाद मैंने क्या बोला, एक डिव बनाते हैं, डिव बन गई दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिव बन गई वो वाली अंदर वाली ठीक है। अब इस डिव के अंदर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इसे ठीक है, इस डिव को मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखना कैसे, ध्यान से देखना दोस्त कैसे। इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ, पहला पार्ट ठीक है, पहला पार्ट ठीक है दोस्त, पहला पार्ट ठीक है, दूसरा पार्ट जो कि कॉपी होगा है ना, दूसरा पार्ट जो कि कॉपी होगा, तीसरा पार्ट जो कि दूसरे और पहले पार्ट का कॉपी होगा एग्जैक्ट ठीक है। इसके लिए एक डिव बनाऊंगा, इसके लिए एक डिव बनाऊंगा, उसके अंदर उस डिव के अंदर दो डिव लगा दूंगा ठीक है। देखो इसको भी डिस्ट्रक्चर कर लिया हमने, उसके अंदर दो डिव लगाएंगे
और उस डॉट डिव के अंदर एक डिव ये बनेगी, ठीक है, एक डिव ये बनेगी, एक डिव ये बनेगी, ठीक है। और बेसिकली एक काम कर लो, वैसे कर सकते हो, हाँ ये भी कर सकते हो, चार एक पी एक पी, इस डिव के अंदर तुमने चार चीज़ें ले ली, इमेज और चार टैग, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, एक पेरेंट डिव में ले लो उसके अंदर तीन वो ले लो, ऐसे सारे तरीके हैं तुम्हारे पास, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है दोस्त, कैसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये हम डिस्ट्रक्चर करने बैठे थे लेकिन हम ये डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं पहले, है ना। तो ये चीज़ तुमने देखी नहीं देखी, सही है, इतना पार्ट देख लिया, इतना पार्ट देख लिया। चलो जी, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला पेरेंट करना है, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। तो इस डिव को मैं दो डिव में डिवाइड करूँगा, ठीक है, इस डिव को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, पहला पार्ट ये रहा, ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, सही है दोस्त, सही है, सही है। इस डिव को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, आओ बनाते हैं, हाथ के हाथ बनाते हैं। इस डिव के अंदर बहुत सारी डिव आएंगी, ठीक है, इस डिव के अंदर बहुत सारी डिव आएंगी, ठीक है, ध्यान नहीं देना। मैंने क्या किया, हमने एक पहली डिव बनाई, ठीक है, उस डिव के अंदर हमने दो डिव बनाई, ठीक है, एक डिव ये रही, ठीक है, और एक डिव ये रही, जिसके अंदर तुमने एक काम, एक एक मिनट रुको, ये एक लगाया टेक्स्ट और टेक्स्ट को यहाँ लिख दिया, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। देन तुमने क्या बोला मुझे दोस्त कि ये देखो, ये एक डिव आई, ये डिव हमने कर लिया कॉपी, बना लिया, ठीक है, ये डिव बना लिया, इस डिव के अंदर दो चीज़ें आई, ठीक है, चलो एक डिव ये है, इस डिव को भी तुमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक डिव ये रही, एक डिव ये रही, कोई दिक्कत नहीं है, दो पार्ट में डिवाइड किया, आओ करते हैं, हाथ के हाथ कर रहे हैं, कोड़े ना हाथ के हाथ कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझा रहा हूँ। और इस डिव को देखो, इस डिव के अंदर इमेज है, ये नीचे वाली डिव है, इसके अंदर इमेज है, इमेज बना दी, ठीक है। इस डिव को तुमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, एक दो तीन, और एक बटन है, ठीक है, और एक बटन है जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर बना रखा है, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, डन। चार चीज़ें इस डिव के अंदर, ठीक है, एक पैराग्राफ है, ठीक है, दूसरा भी पैराग्राफ ही मान लो, पहला पैराग्राफ नहीं है एक्चुअली, पहला पैराग्राफ नहीं है एक्चुअली, पहला एक इमेज, ठीक है, पहली चीज़ क्या है, एक इमेज है, इमेज है, ठीक है, पहली चीज़ एक इमेज है, दूसरा क्या, एक पैराग्राफ है, तीसरा भी क्या है, एक पैराग्राफ है, सही है, चौथा भी क्या है, बेसिकली तीसरा ही है ना, एक दो, हाँ चौथा बटन है, ठीक है, तुम्हारा बटन है, ठीक है, बटन को अभी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी नहीं है, ठीक है, एक मिनट रुको, ये बट ये इमेज ही है ना भाई, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, तो एक प्रॉब्लम और आ गई कि एक डिव बनाए, इस डिव को तुम फर्दर दो डिव में डिवाइड करो, एक डिव ये रही, एक डिव ये रही, तो जो इमेज बनाई थी दोस्त, इमेज ना लिख के, इमेज लिख, डिव लिखो, डिव के अंदर एक इमेज दो, ठीक है, और इमेज देने के बाद तुम एक पी दो। तो ये तुम्हारा पूरा डीस्ट्रक्चरिंग करी तुमने, ठीक है, ये एक डीस्ट्रक्चरिंग करी, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है इस पर्टिकुलर डिव को लेके, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये तुमने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया दोस्त, इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, जस्ट तुम इसके अंदर कंटेंट फिल करना है, तुम्हारा काम डन है, यकीन मानो, इसके अंदर तुम्हें कंटेंट फिल करना है और तुम्हारा काम डन है, तुम्हें कुछ नहीं करना, और तुम्हें डिस्ट्रक्चरिंग करनी थी, कर ली है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तुम्हारे सामने है, डेटा डालो, डेटा डालो, आओ डेटा डालते हैं, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, इसको काट देता हूँ, और डेटा लाते हैं बढ़िया करके, इमेज अभी ले आते हैं, पहले ये सारी चीज़ें फिट कर लेते हैं ना, ये सारी चीज़ें फिट कर लेते हैं, जो टेक्स्ट दिख रहा है, इमेज ले आएंगे, इमेज ले आएंगे, इमेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हाँ यार एक चीज़ और याद आ रही है मुझे, अभी बताता हूँ, है ना, एक चीज़ बता ही देता हूँ, तुम मेरे दोस्त तो बता ही देता हूँ, तो ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना, इसको इंस्पेक्ट पर डाला मैंने, ये देखो, ये चीज़ें ऊपर वाली चीज़ें देखो, ऊपर वाली चीज़ें एकदम मस्त जा रही हैं, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ें मस्त जा रही हैं, अब खराब होनी स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, अब खराब होनी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन नीचे वाली चीज़ों के साथ ये क्या हुआ दोस्त, नीचे वाली चीज़ देखना, ये क्या हो रहा है नीचे वाली चीज़ों के साथ, है ना, नीचे वाली चीज़ें बेकार सी हो रही, ये देखो ऊपर वाली चीज़ एकदम ज़्यादा घुस गया क्या माइक में, ऊपर वाली चीज़ें एकदम मस्त चल रही हैं, और नीचे वाली चीज़ देखो वहीं है, स्टिक है एक जगह पे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉरी दोस्त मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, लेकिन जस्ट मुझे याद आ गया तो मैं उसको बता के चलता हूँ। तो यहाँ पे ये जो डिव है तुम्हारी, ठीक है, तुमने विड्थ फुल दे रखी है, सारी चीज़ें दे रखी है, जस्टिफाई सेंटर ये तो कर रखा है तुमने, सेंटर एक काम करो, उसको आइटम सेंटर और कर दो, ठीक है, ऐसे तो कर रखा है, ऐसे भी सेंटर कर दो, ऐसे ऐसे, ठीक है, अब देखो हुई हुई चीज़ें सेंटर, आई थिंक सो, एक गड़बड़ हो गई है,
गड़बड़ दिख रही है तुम्हें? ये गड़बड़ तो नहीं दिख रही मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। ये तो इसके जैसा बन गया ना, ये तो कुछ इसके जैसा सा बन गया। एक काम करो, यहाँ पे सेंटर लिखा है ना, इसको स्टार्ट करना जरा। स्टार्ट करके चीज़ें आ गई हैं, लेकिन यहाँ से ये ओवरफ्लो होने लगी है ना, इसको ओवरफ्लो होने लगी है। विड्थ कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये तो हम फंस गए, ये तो हम फंस गए। बहुत ही गलत वो है इसका तो बिहेवियर, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोस्तों, देखना पड़ेगा। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ना? देखो देखो देखो, मैं खुद ही मुसीबत खड़ी कर लेता हूँ, बट कोई बात नहीं, निकलते हैं, बाहर निकलते हैं ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। विड्थ 60 दे रखी थी, एच फुल दे रखा है, फ्लेक्स कॉलम जस्टिफाई सेंटर, ये सारी चीज़ें सेंटर सेंटर। बड़ा ही वियर्ड बिहेवियर है इसका। एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ, इसको देखो पहचानो, हो क्या रहा है हमारे साथ, दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत आ क्या रही है, दिक्कत ये है। ठीक है, विड्थ तो एक्चुअली इतनी आनी चाहिए है ना, इतनी आनी चाहिए, और ये इतनी ले रहा है। इसको 60 करो, 60 करने के बाद ये देखो ऐसा आ गया। यहाँ पे लिखो मैक्सिमम विड्थ इतनी ले लो, नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, बताओ दोस्त जल्दी से, हम फंस चुके हैं बढ़िया करके। ठीक है, बाहर आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, दिक्कत से कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है, क्योंकि हमने इस वाली डिप पे विड्थ नहीं दे रखी है, तो वो दिक्कत दे रहा था। ठीक है, वो जितनी उसको चाहिए थी, फिर वो ओवरफ्लो कर रहा था कंटेंट, बट अब हमने विड्थ फुल कर दी तो सारी चीज़ हो गई। ठीक है, देखो एक दिक्कत आ गई, लेकिन मेन मोटिव मेरा पता क्या था बताने के लिए, देखो ये चीज़ें तो नेवार बढ़िया करके सेंटर वेंटर में जा रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, ये अपनी जगह पर फिक्स है, तो इसको कैसे सही करें, ठीक है, इसको कैसे सही करें वो देखते हैं। तो विड्थ फुल दे रखी थी, अगर मैं यहाँ पे मिन दे दूँ, मिनिमम हो गई हैं चीज़ें, हो गई हैं चीज़ें, लग तो रहा है हो गई है ना, लेकिन यार गड़बड़ भी हो गई है, गड़बड़ भी हो गई है भाई, ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई भाई साहब, ओ भाई साहब गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पे ना चाचा मैक्स दे दो ज़रा, या मैक्स देनी है कि नहीं देनी है? वेट वेट, नहीं यार ये गड़बड़ हो गई है भाई, टाइम जा रहा है हमारा, 1 घंटा हो चुका है बढ़िया करके। हाँ ये बहुत गलत यूनिट दी है मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। मिनिमम 60% वेट दिस सेंटर, तो ये तो अंदर के आइटम सेंटर में हो जाएंगे, ये तो हमें चाहिए ही नहीं।
ओके 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 आई थिंक आई गॉट इट, आई थिंक आई गॉट इट. आइटम सेंटर, यस यस यस. नो नो नो, व्हाट इज दिस? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ यार, ये दिक्कत पता क्या है, ये दिक्कत ये हो रही है, इसकी दिक्कत हो रही है. अगर मैं यहाँ पे कस्टम 60% कर दूँ तो सही हो जाएगी. छी भाई, क्या करें दोस्त, क्या करें बताना ज़रा. मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, बताओ क्या करें. हम क्या सेक्शन बनाने बैठे थे, क्या क्या कहाँ पे आके अटक गए. कोई बात नहीं, निकलेंगे निकलेंगे यहाँ से, बाहर निकलेंगे ना, निकलते हैं बाहर. टेंशन वाली बात ही नहीं है. लेकिन ओरिजिनल पता है, ये देखो, ये इसके ऐसा बन चुका है जैसा मैं बनाना था ना, ये उसके ऐसा बन चुका है. बट हमें उसके ऐसा एक्चुअली बनाना नहीं है, हमें उसके ऐसा एक्चुअली बनाना नहीं है. अभी तो सही हो गया. मुझे ये चाहिए यार, ये साइडों से भी करे अपने आप एकदम मस्सा. उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं 2 मिनट उड़ देता हूँ, और 2 मिनट में हो गया तो सही है. वरना पहले नीचे वाला निपटाएंगे डिपार्टमेंट, फिर उसको देखेंगे. ठीक है, नीचे वाला निपटाएंगे डिपार्टमेंट, फिर उसको देखेंगे. ऐसा ऐसा कसम खा के नहीं बैठेंगे भाई, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे. करते हैं, करते हैं. क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं इस पर. भाई 2 मिनट निकल गए, ठीक है 2 मिनट निकल गए यार, इसको स्किप करता हूँ, इसको लास्ट में देखेंगे. ठीक है, करेंगे करेंगे, इसको करेंगे. ऐसा ऐसा नहीं, भाग नहीं रहे कहीं, है ना, भाग 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 नहीं रहे कहीं. करेंगे करेंगे, है ना, करेंगे. इसको करो ऐसे ख़त्म. चलो आओ वापस आ जाओ जो कर रहे थे. ठीक है, कोई बात नहीं, जब चूल उठाइए तो चूल को मिटाएंगे भी. लेकिन अभी थोड़ा, है ना, पहले इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको इतने इतने सेक्शन को बना लेंगे, इतने सेक्शन को बना लेंगे, फिर उसको देखेंगे. ठीक है, इतने सेक्शन को बना लेंगे, इतने को, क्योंकि इतना कॉपी पेस्ट है, एक को बना लेंगे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, फिर ये तो कर ही लेंगे. ठीक है, आओ करते हैं, फिर उसको उसकी चुल को ही मिटाते हैं. ठीक है, नई नई चीज़ें सीखेंगे, पहले उस सेक्शन को कर लेते हैं. ठीक है, आओ. ये चीज़ हो गया, अभी तो मस्त लग रहा है. ठीक है, वो तो लगेगा ही, लेकिन जैसे मैं उसको पिचकाऊंगा, मुझे यार ये चीज़ नहीं चाहिए. बस मेरी प्रॉब्लम ये है, ये चीज़ नैव बार की तरह आ जाए. करते हैं, करते हैं, है ना, अभी करते हैं. रुको, अब इसको देखो, इसको हैंडल करो, ये सारी चीज़ें आ गई. ये आई थिंक इमेज कौन सी थी, इमेज नंबर कौन सा था, इमेज लेके आते हैं. इमेज नंबर है ये हमारा, कौन सा इमेज नंबर है भाई, ओ भाई, ये इमेज नंबर है हमारा 17. ठीक है, तो 18वीं इमेज को उठाओ. ठीक है, 18वीं इमेज को उठाओ और यहाँ पे पुट करो. तो पेमेंट बेसिकली पेटीएम, यार मैं बड़ा कन्फ्यूज रहता हूँ पेटीएम और पेमेंट में, तुम भी रहते हो क्या, बताना ज़रा.
तो एसेट 18 को उठाओ और पीएनजी लगा दो, आई 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 पीएनजी आ गई, ठीक है वॉलेट आ गया, सही है। देन बटन को भी चलो पहले इस इमेज को लगा लेते हैं, पेटीएम एसेट्स 19 करके है और आ तो जानी चाहिए, आ गई है, ठीक है बहुत भारी सा दिख रहा है लेकिन आ गई है, इतनी समझ में आई। चलो एक बटन को ले आते हैं, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, स्माइली के अंदर कहाँ से होगा भाई, इसके अंदर है कोई बटन, इसके अंदर है कोई बटन नहीं, ये बटन वही है क्या जो हमें चाहिए, कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको बंद करते हैं, तुम बंद हो जाओ चाचा, तुम बटन में यहाँ आओ पेस्ट कर दो, ये वही बटन है जो हमें चाहिए, यस वही है जो हमें चाहिए, ठीक है काम बन गया। सबसे पहले थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं, सेक्शन है वही, सेक्शन में वही नॉर्मल चीज़ें देनी है, ठीक है नॉर्मल चीज़ें देनी है जो हम देते आ रहे हैं, कि विड्थ तो फुल ले लो सर, है ना विड्थ फुल ले लो। देन तुम क्या काम करो, हाइट अभी इसको इतनी दे दो, ठीक है हाइट अभी इसको इतनी दे दो, अभी देख लेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज है यार, यहाँ पे तुम बैकग्राउंड देखोगे, ठीक है यहाँ का और यहाँ का बैकग्राउंड देखोगे डिफरेंट है, ठीक है डिफरेंट है। तो इस बैकग्राउंड को जल्दी से इसका कोड लेके आते हैं, पिक करते हैं, ये कोड पिक करा, इधर आए और इसको कस्टमाइज़ करते हैं बैकग्राउंड को जल्दी से, यहाँ पे बीजी, ठीक है बीजी कलर लिख लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है और ऐसे नहीं देते हैं इसमें, ठीक है काम डन, ठीक है यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ बीजी, बीजी कलर सही है। तो बैकग्राउंड कुछ मैचिंग मैचिंग सा लगने लगा है ना, ये ऐसा क्यों लग रहा है ना, ये ऐसा क्यों लग रहा है, देखते हैं अभी देखते हैं यार। ये इतनी चीज़ हो गई है, अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई, डिव है, डिव को जल्दी से क्लास दो, ठीक है क्लास देने के बाद विड्थ दे दो सबसे पहले, जो कि हम विड्थ दे रहे हैं अभी तक 60%, ठीक है 60% विड्थ देने के बाद कैसा लग रहा है फ़र्क ही नहीं पता लगेगा, लेकिन जब मैं इसको इसको ऊपर वाले को फ्लैक्स बनाऊंगा, ठीक है तो उस फ्लैक्स बनाऊंगा और फ्लैक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगा, ठीक है आइटम को सेंटर करूंगा, ओरिजिन सेंटर नहीं है आइटम, अरे भाई आइटम सेंटर, सही दोस्त आइटम सेंटर किया तो ये क्या हो गया, ये ओवरफिल हो गया भाई, ओवरफिल हो गया, इसको ओवरफिल होगा कम करो पहले, कम कैसे करेंगे रुक जाओ अभी कम करता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये तुमने डिव बना रखी, इस डिव को क्लास दो जल्दी से, ठीक है इस डिव को क्लास दो, क्लास दे के फ्लैक्स बना दो, फ्लैक्स बना के फ्लैक्स कॉल कर दो, सही है ये चीज़ हो गई। अब ये डिव है, इस डिव को क्लास दो, क्लास दे के फ्लैक्स बना दो, ठीक है फ्लैक्स बना के ये रो हो जाएंगी, हाँ रो हो गई हैं, ठीक है अब ये ऐसा ऐसा क्यों जा रहा है, ठीक है ये रीज़न इसका यार हाइट हो सकती है ना, हाइट हो सकती है, और एक डिब ये रह रही है हमारी, और एक डिब ये रह रही है, बेसिकली तो वाली डिब है, ये वाली डिब है, ये सारी डिब हैं, हाइट भी हो सकती है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बीजी में मिन लिख दूँ, मिन मिन लिख दूँ तो कैसा रहेगा, काम बन जाएगा, काम बन गया, क्यों काम बना दोस्त, मिनिमम इतना तो लो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले लो, ठीक है जितना कॉन्टेंट हो तो वो मिनिमम इतना सा होगा, मुझे लगता नहीं, वैसे हाँ इतना ही होगा क्योंकि यहाँ पे 96 लिया था ना, तो देखो वो इतना ही था, फिर हमने उसको ऐसा कर दिया तो काम बन गया, ठीक है ऐसा करने के बाद काम बन गया, और तुम हल्का सा ऐसा कहाँ गए, अरे तुम्हें देखो हल्का सा ऐसा दिख रहा भी होगा कि काम बन गया थोड़ा थोड़ा, है ना दिख रहा है हाँ, लेकिन अभी बना नहीं है दोस्त, अभी नहीं बना, अब बनाएंगे। फ्लैक्स कॉल दे दिया, यहाँ पे आते हैं फ्लैक्स, इसमें बीजी वाइट दे दो, देखो वाइट बना, देखो थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा वाइट। अब पहले मैं इमेज देखो, इसको को सेट कर लो पहले, या इसको कर लो जो मर्जी करे उसको कर लो, है ना फॉर एग्जांपल इसको सेट कर लेते हैं ना, इसको सेट कर लेते हैं, तो इसको कैसे सेट करेंगे, ये वाली डिव है, सबसे पहले फ्लैक्स दे दो, ठीक है फ्लैक्स दे दो, साइड बाई साइड आ जाएंगी तुम्हारी आइटम्स, है ना इसलिए दिया है फ्लैक्स, अरे फ्लैक्स कैसे देंगे, फ्लैक्स स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है, तो देखो साइड बाई साइड आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है तुम्हें, ये वाली चीज़ कर ली है, बहुत सही, पहले इमेज की थोड़ी विड्थ कम करो, है ना इमेज की विड्थ कम करो, क्लास दे के विड्थ कम करो, कितनी करें कितनी करें, अंदाजे से देते हैं 10 तो बहुत छोटी होगी भाई साहब, ठीक है कुछ 30 या 36 दिखा दो,
तो बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ 20 की रेंज में दिखा दो, 24 दिखा दीजिएगा सर, परफेक्ट लग नहीं रही है। 22 है क्या, 20 है क्या, 20 है, इसको लॉक कर दिया जाए, इसको लॉक कर दिया जाए दोस्त। ठीक है, लॉक कर दिया गया है। अब पेटीएम वॉलेट पे आते हैं जल्दी से, क्लास देते हैं। ठीक है, क्लास देने के बाद पहले विड्थ दे देते हैं। तुम बीआर टैग भी दे सकते हो तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं विड्थ देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं विड्थ देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं विड्थ दे देता हूँ 10, 11, आ तो गया वो नेक्स्ट लाइन में, आ गया नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अब इसका थोड़ा टेक्स्ट इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्स्ट बेस बेस से कुछ ऐसा सा हो गया, सही लग रहा है। थोड़ा फॉन्ट मीडियम, बहुत जल्दी जल्दी होंगे तो ये सारे काम। ठीक है, फॉन्ट मीडियम सही लग रहा है, सही लग रहा है। थोड़ा बोल्ड कर लो या तो सेमी कर लो, सेमी बोल्ड कर लिया। सेमी बोल्ड करने के बाद फ़र्क दिख रहा है, अब दिखेगा, हाँ दिख रहा है। अब इसको क्या करो, इसको कर दो जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, तो सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी, आ गई हैं। बट हमें ये करो, फ्लैक्स दिया था ना, हाँ ये वाली चीज़ हटा दो, है ना, इसको स्टार्ट कर दो तो यहाँ रहेंगी। ठीक है, अभी के लिए ठीक है। बीच में एक गैप दे दो ना, एक गैप दे दो थोड़ा सा, पहली चीज़ हमारी तैयार होती भी हमें दिख रही होगी। ठीक है, देखो पहली चीज़ हमें तैयार होती भी हमें दिख चुकी है। ठीक है, सही है। दूसरी चीज़ पर आते हैं जल्दी से फटाक से, वे पहले इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं। एडिट तैयार कर दी, इस पर आओ क्लास दो। सारी चीज़ें तुम्हें पता है दोस्त कैसे हो रही है। ठीक है, ये मत बोलना कि एकदम 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 सारी चीज़, देखो रीज़न तुम्हें पता है, हमें ऐसा बनाना है। ठीक है, और अच्छा इसको विड्थ छोटी करनी, इसका साइज छोटा करना है, विड्थ छोटी कर दो, हो गया छोटा। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला इसका, भाई दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, इसका साइज बढ़ाया, बोल्डनेस लगाई। ठीक है, विड्थ लगा सकता था, विड्थ लगा ली, बी आर टैग का यूज़ करके कर सकता था, कैसे भी कर सकता था। देन मुझे साइड बाई साइड चाहिए, तो मतलब फ्लैक्स बॉक्स चाहिए, फ्लैक्स बॉक्स से साइड बाई साइड आ जाएंगे। अच्छा आ गया, और भी इसको सेंटर में चाहिए, तो आइटम सेंटर कर दिया तो ऐसे ऐसे सेंटर में हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हें मेन एक्सेस क्रॉस एक्सेस का पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, बीच में गैप चाहिए तो गैप वाली प्रॉपर्टी दे दी। सारी चीज़ें तुम्हें दोस्त पता है, ठीक है, क्यों क्या कैसे करी है ना। ठीक है, चलो जी, ये चीज़ आई समझ में, इधर आओ, इसको थोड़ा साइज दो। ठीक है, साइज दो, टेक्स्ट 4XL कर दो बिना कुछ सोचे समझे, कैसा होगा 4XL पता नहीं, कर दिया। सही लग रहा है क्या, मुझे तो सही लग रहा है, सही है दोस्त, तुक्का लग गया। फॉन्ट को करते हैं बोल्ड, भाई यही तो बनाना था, बन गया भाई, बन गया, हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यार साइज कम करके 3XL कर दूं क्या, कहाँ गए, अरे भाई कहाँ गया 3XL। अब देखो यार ये भी सही लग रहा है ना, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, 4XL ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ सही लग रहा है ना, हमने बनाया ना तो सब कुछ सही लग रहा है, सही है सही है। अब इसकी थोड़ी ना विड्थ सेट कर लो, वे टू आना चाहिए एक लाइन में, तो विड्थ कैसे सेट करेंगे, कोई मेहनत का काम है क्या विड्थ। ठीक है, ऐसे रैंडम ले लो, 44 ले लो, 44 लेके कितना आ रहा है, इतना सा आ रहा है। ठीक है, बढ़ा लो विड्थ, विड्थ बढ़ा लिए तुमने, फॉर एग्जाम्पल 64 कर दिया ना, 64 कर दी, 64 करके क्या आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, 96 कर दो, है ना, मैक्सिमम कर दो 96। वे टू ऑनलाइन आ गया परफेक्ट एकदम लाइन में, ठीक है, बढ़िया करके आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, ये वाली चीज़ भी हो गई है ना, ये वाली चीज़ भी हो गई है। अब क्या करो, नीचे वाले को हैंडल कर लो, नीचे वाले को हैंडल कर लो, उसका थोड़ा क्लास दो। ठीक है, क्लास फॉन्ट दे देते हैं मीडियम, तो फॉन्ट मीडियम हो गया है, फॉन्ट मीडियम हो गया है, सही है सही है। गैप आएगा तो सारी चीज़ आ जाएंगी। अब विड्थ दे दो, जो कि ये दो लाइन में मेक पेमेंट्स तक आना चाहिए एक लाइन में, है ना, मेक पेमेंट्स तक आना चाहिए, तो विड्थ 96 सेट कर देता हूँ। पहली बारी में आया कुछ, मेक पेमेंट्स अलग लाइन में पहुँच गया, तो तुम्हें विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। ये कितनी है, 384, कस्टम दो 384 है ना, 390 कर दो। आया मेक पेमेंट्स एक लाइन में, नहीं आया, बढ़ा दो 400 कर दो, 400 कर दो, 400 करके आया, नहीं आया 450 कर दो, आया आ गया लेकिन ज़्यादा आ गया 20 कर दो, तो तुक्के लगा रहे हैं और आ गया। ठीक है, तुक्के लगाते लगाते काम बन गया, और ये सारी चीज़ें को इधर का पार्ट एकदम सेट है, इधर का पार्ट दोस्त एकदम सेट है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ करूँगा ना इसमें, देखो ये वाली डिव है, ठीक है, और ये वाली डिव है,
इसको करता हूँ मैं जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, आइटम सेंटर, देखो क्या बना होगा। ये देखो एकदम सेंटर में आ गई है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है दोस्त, है ना, मुझे तो नहीं दिख रही है। और एक काम करो, सेंटर करा है ना, जस्टिफाई को अराउंड करना, अराउंड, भाई कुत्ते पागल हो गए, बाहर फिर से अराउंड क्यों नहीं हो रहा, साइड इफ पे दे रहा हूँ ना मैं, हाँ इमेज इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। इमेज छोटी करूँ क्या, इमेज का साइज छोटा करूँ क्या, क्लास विड्थ दूँ कितनी दूँ बताओ, 80 दे दो है ना, एक रैंडम विड्थ 80 दे दो। भाई क्या बच्चा बन गया, बच्चा बन गया, तो बच्चा मत बनाओ, इसको थोड़ा कस्टम दो, ठीक है 500 विड्थ दे दो, 500 पिक्सल ना भैया, हम ना माने, ठीक है हम ना माने, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दो, ठीक है लल्ला थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दो इसकी। एक काम करो, इसमें हाइट हमने सेट नहीं कर रखी है ना, हाइट सेट कर लो, एक रैंडम हाइट सेट कर लो, देन काम बन जाएगा शायद से, ठीक है। एक एच दबाते हैं, 96 ले लेता हूँ ना, 96 तो और छोटी होती है पता है, ठीक है। देखो कंटेंट भी ओवरफ्लो होने लगा, 96, ठीक है हाइट ले लेते हैं एक रैंडम 500 ही ले लेते हैं। अरे कर ली नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये हाइट देखो यार, ये हाइट तो ठीक ठाक बड़ी है ना, ये हाइट तो ठीक ठाक बड़ी है, और ये हाइट इतनी सी आ रही है, छी इसको 800 कर दूँ, तो सिस्टम ट्रायल कर रहे हैं दोस्त, है ना, ज़्यादा बड़ी हो गई, हाँ ये तो ज़्यादा बड़ी हो गई, इसको 600 कर दूँ, 700 कर दूँ, 600 कर देते हैं ना, आओ यही काम करना पड़ेगा भाई तुक्के का। भाई ये तो बहुत कम हो गई है, 700 पिक्सल ये ज़्यादा हो गई है, तो 650 बोल रहे हो क्या, ये 670 कर देते हैं, मैं 650 ही बोल रहे हैं, वो अभी आवाज़ आई है मुझे, 650 सर, 650 बोल रहे हैं हम, ठीक है अभी भी कम है भाई, अभी भी कम है, बस ज़्यादा है 30, परफेक्ट है, ठीक है ये परफेक्ट है, ये साइज परफेक्ट है, ये 500 दिया था ना, इसको 550 कर दो, बढ़िया बढ़िया दोस्त बढ़िया। अब ये सारे देखो, सारी चीज़ें सेट है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है ना, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। इसमें क्या करो, इसमें ये है तुम्हारी डिवी वाली है ना, इसको क्लास दे दो फ्लैक्स, ठीक है फ्लैक्स दी, ये बहुत बिखर सा जाएगा, इसका जीवन बिखारना नहीं है, इसको करो फ्लैक्स कॉल, कॉल दे दिया, जीवन थोड़ा सा थोड़ा सुधर जाएगा। अब क्या करो, जस्टिफाई जस्टिफाई सेंटर कर दो, ठीक है, और आइटम स्टार्ट कर दो, स्टार्ट किया बटन की वजह से, ठीक है स्टार्ट किया बटन की वजह से, जितना इतना आ जाए। अब सेंटर नहीं करना, यहाँ पे अराउंड कर दो, ठीक है अराउंड में तुम्हें कुछ ऐसा सा दिखेगा, क्यों नहीं दिखा दोस्त, हाइट ही नहीं दिखा इसलिए नहीं दिखा, तो एच फुल कर दो, ठीक है ऐसा बहुत गंदा सा दिखेगा। देखो दो तरीके हैं, देखो मैं अगेन वही तरीका बताने वाला हूँ तुमको, यहाँ अगर तुम यहाँ पे 50% करोगे तो ऐसा सा दिखेगा, ठीक है थोड़ा ऐसा ऐसा, वो तुम दे सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी करे, मैं यहाँ पे 70 कर दूंगा तो तुम्हें थोड़ा और दिख जाएगा ऐसा गैप, है ना। देखो एक तो तरीका ये सीख लिया गैप देने का, वरना तुम गैप लगा लो, अगेन वही चीज़ है यार, सारी चीज़ें तुम्हें पता है दोस्त, है ना। देखो एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है, देखो सारी एकदम परफेक्ट दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है, मुझे तो परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है दोस्त, मज़ेदार एकदम मज़ेदार, स्वाद आ गया कतई। इसका साइड से थोड़ा सा सीन है ना, साइड से थोड़ा सा सीन है, तो एक काम करो इसके पैडिंग दे दो, है ना ये डिव है ना, ये ना ये भाई, एक काम करो मार्जिन सी दे दो ज़रा, मार्जिन लेफ्ट कितनी देनी है, 11, फर्क तो पता ही ना लग गया, बढ़ाऊँ क्या मार्जिन, बढ़ाते हैं भाई बढ़ाते हैं मार्जिन, है ना बढ़ाते हैं 36 दे देते हैं, क्लोज क्लोज 28 24, वेरी क्लोज जी वेरी क्लोज, सही लग रहा है, मस्त लग रहा है,
सही लग रहा है, मस्त लग रहा है, पेटीएम वॉलेट कहाँ है, ये रहा, तुम सेमी बोल्ड नहीं, तुम बोल्ड हो जाओ दोस्त, है ना, सही लग रहा है भाई, तो बोल्ड भी नहीं लगा, इस पर अप्लाई हुआ ही नहीं, हो गया, सही लग रहा है, मस्त लग रहा है, सही लग रहा है, मस्त लग रहा है, सही लग रहा है, मस्त लग रहा है, ये इसकी देखो विड्थ है, इसको थोड़ा कम कर लो, है ना, इसको थोड़ा कम कर लो, वो बन गया, कम करके बन गया, ये बटन है ना, इसकी विड्थ दे रखी है हमने कुछ ना भैया, विड्थ तो ना दे रखी है तुमने, तो विड्थ तो कम करनी पड़ेगी, इसको कर दो विड्थ को 6 करो, कम हुई क्या, सही लग रहा है दोस्त, है ना, सही लग रहा है, देखो अब ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, वो तो तुम कर सकते हो ना, बन गया, एक कार्ड बन गया, बना कि नहीं बना ये बताओ, बन गया, अभी पेमेंट पेटीएम पेमेंट इंस्ट्रक्शंस है, इसको इसको थोड़ा हैंडल कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, आओ जल्दी से आओ दोस्त, सुनो बात सुनो जल्दी आओ, कहाँ लिखा था, ये लिखा था ना, इसके अंदर सब सब डिफ, कोई ऐसी डिफ रहेगी जिसके अंदर क्लास ना दी हो, सबके अंदर क्लास दे दी, देखा नहीं, देखा जो बना रहा है क्लास तो ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाएगी यार, इसके अंदर रहेगी, इसका सबसे पहले टेक्स्ट दे दो 5 XL, बिना कुछ सोचे समझे 5 XL भी, अरे देखो ये हाइट की वजह से हो रहा है ना, हाइट की वजह से हो रहा है, तो इसका क्या उपाय है, इसका ये उपाय है, इसका ये उपाय है, ठीक है, ठीक है, सही है, पेटीएम पेमेंट्स दिख रही, क्या दिखा, अब जल्दी से फॉन्ट और बोल्ड कर दो इसका, ठीक है, और डन है, चीज़ डन है भाई, डन है, डन डन है एकदम, कोई दिक्कत ना दिखे है, सही है, सही है दोस्त, अभी ऊपर से चाहिए, ठीक है, ऊपर से चाहिए, तो मार्जिन टॉप दे दो पूरी पूरी, इसको सेक्शन को दे सकते हो, बेसिकली सेक्शन को देंगे नहीं, ठीक है, ये जो डिप बना रहे हैं इस डिप को ही दे देते हैं ना, मार्जिन टॉप दे देते हैं, कितना, जितना मर्जी चाहिए तुम्हें बताओ, 14 चाहिए, ले लो 14 ले लो, ज़्यादा चाहिए, ये कलर में डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें दोस्त, मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, अरे कलर में डिफरेंस दिख रहा है ना, कलर में डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है ना, चेंज कर लो यार, ठीक है, चेंज कर सकते हो तुम, और पहले हमने मार्जिन टॉप दे देते हैं ना, मार्जिन टॉप देते हैं ज़्यादा, 20 जैसा कुछ है क्या हमारे पास, है सही है दोस्त, 20 जैसा नहीं है क्या, अच्छा 20 है तो सही है, थोड़ा और देना चाहो और दे दो, और देना चाहो और दे दो, और देना चाहो तो और दे दो, कोई रोक थोड़ी रहा है हमारा, इतना ही है भाई, अरे गया भाई पेटीएम गया, उसको तो बुलाओ भाई, सही लग रहा है भाई, मुझे सही लग रहा है एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लग रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लग रही, अब आओ, अब मैंने क्या कहा, इतना तुमने पार्ट बना लिया, ये डिव, इस डिव को तुम कॉपी कर लो बस, इस डिव को तुमने कॉपी कर लिया दोस्त, तुम्हारा काम डन है, कंट्रोल सी किया, अब इस डिव को बाहर कॉपी करता हूँ मैं ऐसे, ये आई, ये तो इनका बन गई क्या, ये आई डिव, ऊपर थोड़ा सा गैप वैप दे दो, ऊपर थोड़ा गैप वैप दे दो, काम बन जाएगा, ऐसी नेक्स्ट डिव कॉपी कर लो, लेकिन एक ट्रिक और बताता हूँ, ये तुमने इस डिव के अंदर बना रखा है ना पूरा, अगर मैं देखो इस, ठीक है ध्यान से देखना, अगर मैं इस डिव को ही कॉपी कर दूं, देखो सारी चीजों में गैप वैप एकदम बढ़िया करके तुम्हें दहेज में मिलेंगे मिल रहा है गैप वैप एकदम मस्त करके, ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि तुमने ना पूरी डिव को, इसको भी एक पार्ट में ले लिया, इसको भी ले लिया, और तुमने जो गैप वगैरह दिया था, गैप दिया था ना, वो गैप इस पे भी अप्लाई हो गया, सिमिलरली तुम क्या करो, इस डिव को अगेन कॉपी कर दो, ठीक है, बन गया काम तुम्हारा, तीन डिव बन के तैयार हो गई दोस्त, तीन डिव बन के तुम्हारी तैयार हो गई है, तुम्हें कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जस्ट इसकी फोटो चेंज करनी है बस, और टेक्स्ट चेंज करना है, फोटो मैं चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट तुम कर लेना, ठीक है, आओ करते हैं, ये बिग पार्ट था, इसके अंदर हमने एक सेक्शन बनाया था ये वाला, ठीक है, जिसको हमने कॉपी किया है, देखो इसके अंदर है एक तो सेक्शन ये कॉपी किया, आओ पेमेंट ऐसे 18 की जगह 19, देखो 19 जैसा कुछ है क्या, ऐसे सजेस्ट करेगा, ऐसे 19 19 जैसा है कुछ, आया चेंज हुआ दोस्त, कुछ चेंज हुआ, ध्यान से देखना, हो गया पे, यार ये तो गलत हो गया, 19 नहीं 20, क्योंकि 19 तो वहां यूज कर लिया था, ठीक है 20 20 हुआ हुआ, हो गया ना, हो गया दोस्त, हो गया, अब यहाँ पे देखो 21 जैसा कुछ है क्या हमारे पास, ठीक है 21 जैसा कुछ है क्या, 21 जैसा कुछ है क्या, हाँ है, बिल्कुल है जी है, हुआ काम बनाई हमारी, हमारे है भाई, हमने बनाया, ठीक है हमने बनाई है, गर्व के साथ तुम बोल सकते हो भाई ये मैंने बनाई है, ठीक है पूरा मेहनत करके टाइम लगा के, इसको बंद कर लो, ठीक है कहाँ तक कर लिया हमने, 21 तक कर लिया, ठीक है अब आओ
देखो 21 की जगह 22 का है क्या, कुछ 22 जैसा है कुछ है, लगा दो, सिंपल सी चीज़ है दोस्त। आ गया पोस्टपेड, ठीक है 23 जैसा है क्या कुछ, 23 सर 23 दिखा दो, 23 हाँ है क्यों नहीं है भाई, आ जाओ, बोले आ गए, बेइज्जती सी हो गई तो आ गया आ गया। लेकिन इसका साइज बड़ा हुआ दिख रहा है, साइज बड़ा हुआ दिख रहा है क्या यार, छोटा कर लो, मतलब इतना नहीं कर सकते तुम। हो गया काम डन है, काम डन है दोस्त, काम डन है, ये तुमने बना लिया था, काम डन है, थोड़ा सा और करना है कर लो, 400 कर लो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ऑल सेट, ठीक है एकदम सारी चीजें सेट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीजें भी डन हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज, एक मिनट रुकना, इतना पार्ट बना लिया है, बहुत सही जा रहा है भाई, बहुत सही जा रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, तुम बताओ तुम्हें कैसा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर तुम यहाँ पे कोर्स में हो तो कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो। अब यार ये वाली चीज है, इसको क्रिएट करें, ये कुछ 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 बनाया है हमने प्रीवियस सेक्शन, प्रीवियस लेक्चर में ऐसा ऐसा कुछ बनाया है ना, करते हैं करते हैं, पहले इसका ना ये वाला सीन करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या सीन है, हमारा कुछ ऐसा सा है सीन, पहले इसको हटाते हैं ना, इसको हटाते हैं, पहले ऐसा सा बटन बनाते हैं, आओ ये वाला है ना, इसको बटन बनाते हैं, ऐसा ऐसा सा ये बटन है, इसको करना है, ठीक है इस बटन को करना है, बीजी ब्लैक ना देके डार्क करके है कुछ, डार्क नीला, डार्क नीला दे दो, हुआ डार्क नीला, हो गया डार्क नीला हो गया, ये बॉर्डर हटा दो, पहले तो बॉर्डर वाली चीज़ें हटा दो है ना, ब्लैक बॉर्डर, होवर पे बीजी वाइट, ये सारी चीज़ें हटा दो, बीजी वाइट नहीं चाहिए हमें, बीजी नीला चाहिए, ठीक है देखो हुआ कुछ, ये देखो ये सारी चीज़ तो हो गया ना, ये सारी चीज़ तो हो गई है, पर तुम यहाँ पे लर्न मोर चाहिए दोस्त है ना, लर्न मोर लिखा हुआ चाहिए, लर्न मोर को कॉपी करो, ठीक है डाउनलोड पेटीएम ऐप को हटाओ, लर्न मोर को डाल दो ऐसे, और तुम्हारा लर्न मोर आ गया है, ठीक है आ गया, ये प्लस प्लस का आइकन नहीं चाहिए मुझे है ना, तो इसको ऐसे हटाओ और यहाँ पे वाला आइकन पेस्ट कर दो, कौन सा आइकन पेस्ट कर दो दोस्त, हमने देखो ये आइकन यहाँ पे पेस्ट किए थे ना, देखो ये वाले आइकन है ना, कहाँ पे किए थे दोस्त, कहाँ किए थे, आई थिंक यहाँ की, देखो ये जो बनाए थे हमने ना ये वाले आइकन, इनको पेस्ट करो, लाओ कहाँ से लाओगे, ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से ले लेते हैं, आई 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 टैग कहाँ है, आई टैग किधर है दोस्त, जल्दी से दिख जाओ, ये रहा, कॉपी बंद करो, ठीक है जो दुकान खोली उसको बंद करो, और जो खुली हुई दुकान उसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दो, मस्त चीज़ है, मस्त चीज़ बन गई, लेकिन यार ये देखो सेंटर में नहीं दिख रही है चीज़ें, सेंटर में दिख रही नहीं दिख रही हैं, इन चीज़ों को अगर तुम्हें सेंटर में बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं करके बताऊँ क्या करना पड़ेगा, फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, सेंटर में है क्या दोस्त, सेंटर में है क्या चीज़ें, नहीं सेंटर में नहीं होंगी, सेंटर में नहीं होंगी, लेकिन सेंटर में पता कब आ जाएंगी, अब आ जाएंगी सेंटर में है ना, अब आ जाएंगी सेंटर में, यस अब आ गई है, मुझे लग नहीं रहा है अभी भी सेंटर में, पर चलो ठीक है ना, ठीक है लग रहा है, लग रहा है कुछ कुछ तो बना लिया ना, बस इसका कुछ हमें कुछ ऐसा सा फीचर्स बनाना है, कुछ ऐसा सा फीचर बनाना है ये वाला, ठीक है कुछ ऐसा सा फीचर बनाना है ये वाला, करते हैं करते हैं इसको, करते हैं कैसे करेंगे यार, देखो इसमें कुछ बिफोर एंड आफ्टर का सीन दिख रहा है, ये हमने इसमें बनाया था, देखो मैं दिखाता हूँ, ये हमने यहाँ बनाया था कहीं है ना, देखो हमने इसमें बनाया था कुछ, ये देखो दिख रहा है, और ये सेम चीज़ बनाई थी, ये हमने तो सेम चीज़ बनाई थी है ना, ये सेम चीज़ बनाई थी, किसका यूज़ करके बनाई थी, बिफोर एंड आफ्टर का, अगर आपको हल्का सा भी याद हो तो ये हमने देखो एकदम सेम चीज़ करी थी, बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करके, याद होगा तुम्हें दोस्त, याद होगा, तुम भूले नहीं होंगे, आई नो वेरी वेल, नहीं याद हो रहा मैं दिलाता हूँ, देखो CSS का था, प्रोजेक्ट नंबर 6 था, और हम गए थे यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML में, इसको मैं गो लाइव करता हूँ, ठीक है ये बनाई थी हमने, ये सेम चीज़ बनाई थी, ठीक है यार ये इसका एक है, ठीक है एक दोस्त है तन्मोय दास, ठीक है आई थिंक मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं पता नहीं यार सॉरी भाई, उसने बोला था यार कि ये चीज़ उसमें करके दो, ठीक है उसको दिक्कत आ रही थी, ये देखो मैंने ये बना के दी थी, ये
चीज़ करके दी थी और कोड भी अपडेट कर दिया था गिटहब पे, तो देख लेना यार दोस्त एक बार इसको, ठीक है। जो नैव बार, स्टिकी नैव बार, इसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम हाइट को मिनिमम से हटा दोगे, ठीक है, जो कंटेनर में हाइट मिनिमम है, तो फिर ये ना काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमने एक्सटर्नली इम्पोर्ट कराई है। तो तुमने क्या किया है, मैंने एक बार जाके कोड में देखना, ठीक है, वही देखेगा जिसको पता होगा ये सारी चीज़, जिसको दिक्कत आई होगी ना वही देखेगा। जैसे वो लड़का है, उसने पूछा था मुझसे, उसको दिक्कत आई थी, तो उसने करा था ट्राई तो नहीं हुआ था, लेकिन उसको मुझे अच्छा लगा यार, उसने पूछा चीज़ें, तो सही है, बच्चे कर भी रहे यार, एकदम मस्त पढ़ रहा है लड़का, सही यार। देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। और हाँ यार, मैं एक चीज़ और कहना भूल गया, डिस्कॉर्ड का लिंक होगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में, और शायद से होगा, अगर नहीं होगा तो आ जाएगा, डिस्कॉर्ड पे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा, है ना, देखते हैं, करते हैं एकदम सारे अरेंजमेंट्स, करते हैं कुछ तो, करते हैं कुछ क्रेजी सा करने वाले हैं, मज़ेदार, है ना। चलो अभी इस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। CSS कर रहे हैं अभी तो हम, यार ये CSS बहुत छोटी चीज़ है, अभी जो आगे आने वाला है ना, जो आगे अगर तुमने नहीं सीखा है, जो तुम सीखने वाले हो, एकदम रियल लाइफ चीज़ है, वो मज़ेदार होगा, ठीक है। तो ये हमने बनाई थी ना, ये हमारा, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, ये हमने इसको क्लोन किया था। तो ये सब क्यों, कैसे किया था, मैं दिखाता हूँ दोस्त कैसे किया था। ये देखो कहाँ है, ये हम कहाँ खुले हुए थे, फीचर्स, आफ्टर, देखो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर की मदद से हमने किया था। देखो आफ्टर पोजीशन एब्सोल्यूट कंटेंट नहीं दिया था, ये सारी चीज़ें, क्या क्या देखना पड़ेगा लेक्चर, अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अब हमें बस यहाँ पे ये सीखना है, यहाँ पे हमें ये समझना है यार, है ना, कि मैं कैसे दूंगा बिफोर एंड आफ्टर, किस में दोस्त, यहाँ पे टेलविंड में मैं कैसे दे सकता हूँ। तो कौन बताएगा, टेलविंड खुद बताएगा कि टेलविंड भाई साहब सुनो, हमें ना बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करना है, तो जरा बता दो कैसे करते हैं। यहाँ पे डालो आफ्टर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर आया, देखो तो ये देखो ये रहा, कैसे कैसे तुम यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ध्यान से देखो, आफ्टर और कंटेंट कैसे दे सकते हो, ठीक है, कंटेंट कैसे दे सकते हो, ऐसे कॉलन कंटेंट हाइफन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, और ये कॉम क्या बोलते हैं ना, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर ये कंटेंट हो गया तुम्हारा, सही है, सही है दोस्त, सही है, इतनी समझ में आ गई। और आफ्टर बाकी सारी चीज़ें देखो वही है ना, कितनी पैडिंग, वही वही सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ आफ्टर, और तुम्हारी वो वाली चीज़ बनानी स्टार्ट करते हैं ना मस्त करके। कहाँ ये रहा, लेकिन यार उससे पहले ये चीज़ कॉपी करो, एक चीज़ देखो, ये जो तुम्हारा एरो है ये भी तो आगे की तरफ जा रहा है, ये एरो है ये भी तो आगे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एरो भी आगे की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तो मूव हो रहा है, तो इसको एरो को मूव कराते हैं, कैसे कराएंगे, ध्यान से देखना तुम्हें यार, ये वाली प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ये एरो है, इसको मुझे मूव कराना है, क्लास बेसिकली यहाँ पे, इसको यहाँ देनी है क्लास, ठीक है, ये मेरा वो एरो है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसलेट करा दो, ठीक है, अभी तो ये ट्रांसलेट हो गया होगा, लेकिन जस्ट ऐसे ही हो गया, मैंने कैसे होवर पे ट्रांसलेट कराओ, होवर पे, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो दोस्त, हुआ हुआ, लेकिन यार यहाँ तो हो ही नहीं रहा, ये सिर्फ उस पे करने पे हो रहा है, यहाँ हो ही नहीं रहा, मैंने कहा उसके लिए यार तुम्हें ना ग्रुप करके कुछ देना पड़ेगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है, और तुम्हें यहाँ पे बटन है, ये बटन पे ग्रुप करके पेरेंट में ग्रुप लिखना पड़ेगा, GRUP, अब काम कर जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट हो रहा है, इसको एक काम करो, दो तक ट्रांसलेट करा लो, है ना, देखो ध्यान से देखो दोस्त, ध्यान से देखो, हुआ ट्रांसलेट, अगर मैं यहाँ एक लिखना चाहूँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ट्रांसलेट, लेकिन झटके के साथ हो रहा है, झटके के साथ हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, ट्रांजिशन ऑल कर दो, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल कर दो, अब देखो अभी भी वो स्मूथनेस नहीं आ रही, तो ड्यूरेशन कर दो, ठीक है, ड्यूरेशन सेट कर दो कुछ, फॉर एग्जाम्पल ये 300 क्या होता है, मिली सेकेंड होगा ना, हाँ MS, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, है ना, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, 800 ऐसा कुछ है क्या तुम्हारे पास, नहीं है भाई, 900 ऐसा भी नहीं है, 700 ऐसा सजेशन दे ही नहीं रहा भाई, ये सजेशन नहीं दे रहा, 700 जैसा है, 700 पे क्लिक करो, आहा आहा जा रहा आगे, हाँ अब वो बिफोर एंड आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं ना, डिव ले लेते हैं, वहां भी हम कुछ ऐसा खाली से डिव लेते हैं ना, और डिव लेने के बाद दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देख रहे हैं ना,
हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्लास देंगे, ठीक है, क्लास देंगे और तुम्हारा वही चीज़ डालेंगे आफ्टर, ठीक है, आफ्टर कोलन कॉन्टेंट कॉन्टेंट, ठीक है, हाइफन ये और ये, और मैं यहाँ डाल देता हूँ NISHNT, ठीक है। अब देखो कुछ आया यहाँ पे लिख के, कुछ आया निशांत आ गया, हाँ, लेकिन हमें निशांत ऐसा नहीं चाहिए, इसको हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट करेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए यार, एब्सोल्यूट कहाँ गया यार, देखो यहाँ कहीं आ गया होगा, वो एब्सोल्यूट है ना, पता नहीं कहाँ है, बट यहाँ कहीं आ गया होगा। तो ये बहुत बैड प्रैक्टिस होती है, मैंने जब तुम्हें पोजीशन सिखाई थी तो एक चीज़ बताई थी, अगर तुम एब्सोल्यूट दे रहे हो तो उसको पेरेंट को तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, रिलेटिव, सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब देखो वो आ जाएगा, आ गया, देखो इसके अंदर आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो इसके अंदर दिख रहा है दोस्त, हाँ, ठीक है, यही चीज़ तो दिख रहा है ना निशांत, और इसके अंदर, चलो जी टाइम कितना बचा है अभी, थोड़ा सा जल्दी से ये कराता हूँ, फिर मुझे याद है मैं भूला नहीं हूँ भाई, इनको भी करके जाएंगे, ठीक है, टाइम बचा तो करके जाएंगे। तो हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, इसको खाली कर दो, एक काम करो खाली कर दो, इसको खाली कर दिया, अभी कुछ नहीं दिखेगा ना, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अब तुम्हें यार कुछ चीज़ें सेट करनी है, जैसे बीजी वाइट दे दो, ठीक है, और विड्थ कितनी देनी है तुम्हें, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ कर रखी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ कर रखी है, ये सारी चीज़ें कर रखी हैं ऑलरेडी, है ना, विड्थ फॉर एग्जांपल 10 दे दी, अभी भी नहीं दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे H1 लिखूंगा तुम्हें कुछ जादू सा दिखेगा, दिखा कुछ लाइन दिखी, हाँ ये लाइन आ गई है, ऐसी तो बनाते हैं दोस्त, है ना, इतनी लंबी लाइन वैसे चाहिए नहीं हमें, इतनी लंबी लाइन हमें चाहिए नहीं, थोड़ी सी लाइन होगी तो बहुत ज़्यादा। आ गई है लाइन, देखो आ गई है लाइन, दिख रही है, हाँ, अब इसको लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, ठीक है, तो ट्रांसलेट कर दो एक्स डायरेक्शन में 5, बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं हो जाएगा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, देखो आ गया है ना, आ गया ना, आ गया, हाँ, इसकी हाइट और थोड़ी, ये कितना होता है 4 पिक्सल होता है, मुझे 2 पिक्सल दो, सही है दोस्त, सही है, 3 कर लो। अरे यार एक तो पता नहीं है नम लोक अपना आप क्यों बंद हो जाता है, सही है, फिर थोड़ी छोटी कर लो, 3-4 कर लो, दिख रहा है, बस ये ना कुछ ऐसा सा हो जाए, ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा सा वर्क करने लग जाए, ऐसा सा, इसके अकॉर्डिंग तो ये बता रहा है विड्थ भी और छोटी करो, तो 2 कर देता हूँ मैं, हाँ ठीक है, 2 हुई, सही है दोस्त। अब इसको पहले आगे करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं, 10-12 ये ज़्यादा हो गया, 11 परफेक्ट है ना, परफेक्ट, लेकिन 12 पे आई थिंक सही था, क्योंकि हमें ना इस पे यही कराना है ना, हाँ ऐसा कुछ कराना है, ऐसा ही कुछ कराना है। तो यहाँ पे हमें देखो क्या देना पड़ेगा, ध्यान से देखना, पहले ना इसको ख़त्म कर दो, इसको हाइड कर दो, हाइड कैसे कर सकते हो यार, इनिशियली हम ना इसका स्केल कर देंगे 0, देखो स्केल 0 हो गया, और होवर पे कर देंगे स्केल 1, होवर पे देखो, होवर करोगे तो जो स्केल ना कुछ कर लेना, ठीक है, 1 जैसा कुछ होता है इसमें, 250 कितना होगा, कुछ ज़्यादा स्केल कर लेगा क्या, दिख ही नहीं रहा, अरे दिख ही नहीं रहा, हमने यहाँ पे ग्रुप होवर लगाया है, ग्रुप होवर लगाओ दोस्त, है ना, ग्रुप होवर लगाओ, GROUP ग्रुप होवर, सही है, ग्रुप होवर लगा दिया। अब देखो स्केल कुछ ज़्यादा ही कर लिया, ठीक है, स्केल कुछ ज़्यादा ही कर लिया, इतना ज़्यादा नहीं करना, 50 तो बहुत कम है यार, बड़ी दिक्कत है, ये कितना होता है, इसका मतलब होता है 0.5, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 1, आ गया, देखो दिख तो रहा है, स्केल होता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन झटके के साथ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दूँ ये वाला, तो कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा, कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा, आओ देखो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे तुम्हारे सामने स्केल हो रहा है, हमें तो ऐसे स्केल चाहिए। तो तुम्हें यार कुछ नहीं करना है यहाँ पे, स्केल एक्स करके कुछ होता है इसमें, देखो
स्केल एक्स जीरो, ठीक है, और यहां भी एक्स। अब देखना जादू, कुछ कुछ सिमिलर सा बना लिया, ठीक है, कुछ कुछ सिमिलर सा बना लिया। यहाँ पे स्पीड फास्ट है, स्पीड फास्ट है, ठीक है। तो ड्यूरेशन मैं इसकी कम कर देता हूँ, या देखो लग तो सही रहा है, हल्की सी गड़बड़ दिख रही है, मैं मानता हूँ गड़बड़ दिख रही है, वो एग्जैक्ट लेवल का नहीं बना है, हल्की सी गड़बड़ है ना, हल्की सी गड़बड़ है। हल्की सी गड़बड़ है, हल्की सी गड़बड़ है मैं मानता हूँ, बट हाँ आई थिंक ये बेटर दिख रहा है ना, ये बेटर दिख रहा है। इसकी विड्थ हाइट कहाँ है, हाइट 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 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, गाइस एग्जैक्ट तो बना लिया, ठीक है, काफी हद तक तो बना लिया। बस ये देखो ये दिख रहा है इसमें, इसमें विड्थ का कोई सीन दिख रहा है ना, ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ जाके एंड हो रहा है हमारा, कहाँ जाके एंड हो रहा है हमारा, यहाँ जाके एंड हो रहा है कहीं। लेकिन यार बना तो हमने भी लिया कुछ परफेक्ट सा है ना, कुछ परफेक्ट सा बना तो हमने भी लिया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया, टाइम कितना है हमारे पास, 5-10 मिनट है। तो यार देखो ये तो आज बन नहीं पाएगा, ठीक है, ये वाला, ये तुम ऐसा होमवर्क ले सकते हो, ठीक है, ले लो, मैं कह रहा हूँ ले लो होमवर्क, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो थोड़ी मेहनत और कर लो, आधा घंटा लगा के मैं नहीं लगा सकता क्योंकि ये शट डाउन हो जाएगा फोन, बेसिकली स्टोरेज नहीं है, ठीक है। तो ये बनाओ घर से, वरना नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं बनवाऊंगी पार्ट 3 में। अभी क्या करते हैं यार, देखो ये सारी चीज़ें डन हो गई हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट करा है, कर लिया एकदम मस्त। इस चीज़ को देख लेता हूँ मैं, ठीक है, इस चीज़ को देख लेता हूँ, 5 मिनट दूंगा, क्योंकि 5 मिनट बाद तो खुद ही बंद हो सकता है। अगर ये वैसी डाउन, मतलब ऐसा ऐसा कट गया ना, तो समझ लेना डाउन हो गया, ठीक है, ये शट डाउन, मतलब ये हो गया, ये आवाज़ आती रहेगी, ठीक है। मैं कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, ये इतना पार्ट तो बना लिया हमने, इसको जल्दी से करने का ट्राई करते हैं। दिक्कत कहाँ रही थी जल्दी से देखो, दिक्कत कहाँ रही थी, है ना, दिक्कत कहाँ रही थी, ये सेक्शन को, इसको पहले बंद कर दो, ठीक है, इसको हमने बना लिया है बिग पार्ट को, बहुत बहुत ही अचीवमेंट कर लिया, 224 लाइन का कोड कर लिया है। कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से 64 से स्टार्ट किया था। इस पे आओ, नैव बार में देख लेते हैं, नैव बार से हेल्प ले लेते हैं, हमने नैव बार में ये किया था और मिन विर्थ ये कर दिया था तो काम बन गया था। नैव बार में ये किया था और एच फुल मिन विर्थ, यहाँ देखो यहाँ पे मिन विर्थ के नाम पे धोखाधड़ी हो गई है, मिन विर्थ के नाम पे यहाँ धोखाधड़ी हो गई है। बस यही समझ नहीं आ रहा है मुझे, मिन विर्थ सही है, वो चीज़ सही की है, लेकिन इसको सेंटर में कैसे लाऊँ मैं दोस्त, इसको सेंटर में कैसे लाऊँ मैं, ये देखना है बस। अगर ये चीज़ समझ ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो विर्थ फुल, ठीक है, विर्थ फुल, यहाँ पे मिन मैक्स वाला सीन नहीं होता है ना, मार्जिन टॉप गैप, यार बंद तो गया है, देखो बंद तो गई चीज, बंद तो गई है ना, चीज बंद तो, बंद क्या होता है, बंद तो गई है, ठीक है। देखो जो चीज हम चाह रहे थे वो हमने बना ली है, ठीक है, ये देखो। बट यार यहाँ पे दिक्कत पता क्या आ रही है, दिक्कत तो समझो, ये देखो हमारा गैप चला गया, गैप चला गया, तो मैं अगर गैप लगाऊं 2 3 4 8 लगा रखा था, 5 वो थोड़ा होने लगा है, ठीक है, वो चीज़ तो विड्थ की दिक्कत हो रही है, एक्चुअली विड्थ की दिक्कत हो रही है। बन गया भाई, बन गया, अब तो बना लिया हमने, अब ये ऐसा होने लगा है ना, ये ऐसा होने लगा, देखो अब आ गया सेंटर में, ठीक है, सेंटर में आ तो गया है, वही दिक्कत आ रही है दोस्त, वही दिक्कत आ रही है। देखो उपाय तो मिल चुका है, ठीक है, उपाय तो मिल चुका है हमें, क्या तो विड्थ फुल ही कर लो, है ना,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल ही कर लो, ठीक है फुल कर लो। लेकिन ये ऐसे जा रहा है, ये पता है किसके, जो तुमने गैप दिया है ना, ये गैप की वजह से उस चीज़ ने उसको अपने आप को वो कर लिया। ठीक है अगर मैं यहाँ लिखूँ एक बार, लिख के देख सकते हैं, ओवरफ्लो करके देख रहा हूँ मैं, है ना, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है लेट्स सी, गैप 5, गैप अप्लाई नहीं हुआ, गैप अप्लाई ही नहीं हुआ, है ना, गैप अप्लाई ही नहीं हुआ, बहुत ही सही है, हो गया भाई, ओवरफ्लो की तो इज्जत ही नहीं रही कुछ, गैप भी आ गया और ओवरफ्लो भी हो गया, गैप भी आ गया दोस्त और ओवरफ्लो भी हो गया, ओवरफ्लो हिडन, पता नहीं भाई क्या सीन है। हटा दो भाई ओवरफ्लो हिडन, हटा दो इसको, तो ओवरफ्लो हिडन को तो हटा ही दो, ठीक है, और गैप को कम कर लो। ठीक है मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ दोस्त, है ना, एक चीज़ बताता हूँ, गैप को 2 कर लो, अरे भाई नम 2 कर लो, तो ये मतलब थोड़ा सा इसके साइड से हट तो गया, लेकिन हाँ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही, पर मेन मेरा मोटिव वही था रिफ्लेक्सिव बनाने का। देखो अभी ऐसा है, ये देखो ये खुद भाई खुद ऐसे एकदम मस्त चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, लेकिन अगर तुम गैप को हटा दोगे फिर भी आई थिंक सो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, है ना। ये देखो ये तो अब तो बिल्कुल एकदम इसके साइड बाई साइड आ गया, नहीं आया, नहीं आया दोस्त, नहीं आया, ये देखो अब इससे आगे हो गया, है ना, इससे आगे हो गया, सही है सही है, कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे हम, पता है क्यों, रुको भाई क्यों, क्या होता है, विड्थ फुल फ्लैक्स अभी तक तो एकदम मस्त था, ठीक है इसके इसका एकदम इधर 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 कमी आ रही है, सेंटर बीजी नीला फुल, उसके अंदर तुमने एक डिप बनाई, ठीक है वो डिप सेंटर में हो गई, अब मैं इसको ऐसे कर दूँ तो और मिनिमम करा है तो ऐसा सही है यार, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही, ठीक है ना, ठीक है कुछ, छोड़ो 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 इसको, ठीक है हो गया, कर लिया हमने जितना हमने कर लिया था, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और अब तुम बोलोगे यार मुझे तो वैसे ही चाहिए ना, तो वैसे ही मिल जाएगा, उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं दोस्त, है ना, उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, बस तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी, एक मिनट रुको, देखो अपने वृथ भी नहीं लगाई तो भी काम बन गया, सही है दोस्त, सही है ना, सही है मेरे अनुमान से दोस्त, अनुमान से सही है, तुम यहाँ पे वृथ वगैरह काट के कम करके चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ करेंगे हम, रुको कहाँ गए ये, तो ये देखो ये भी बिल्कुल एकदम और आ रहे हैं, और इनको देखो कट गए, ठीक है कट गए बिल्कुल, इन है ही नहीं रेस्पॉन्सिवनेस, और हमारा देखो है, हमारी थोड़ी इज्जत तो बचा रहा है, ठीक है इज्जत तो बचा रहा है, दिखा रहा है, बोल तो मीडिया क्वेरी लगा देंगे यहाँ पे, मीडिया क्वेरी लगा के इनको ऐसे ग्रिड में बना देंगे, वो सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है जब इसमें रेस्पॉन्सिव अप्लाई करेंगे, हम ही करनी पड़ेगी हमारे हिसाब से। लेकिन यार आज का देखो तुम, आज का हमने ये चीज़ बना ली है, ठीक है आज का जो हमारा टास्क था इनकम्प्लीट रह गया है ना, ये चीज़ नहीं बनाई है, होमवर्क में दी गई है, वरना तो मैं बनवाई दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी तो बनाएंगे, देखते हैं कितना बन पाएगा नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो यार देखो ये इनका है, जस्ट देखो आग बंद करके, और ये हमारा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यार आप यहाँ तक आ गए अगर वीडियो देख रहे हो तो, और ये तुमने बनाया है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट वाउट है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई फीडबैक है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है जैसे भी लग रहा है यार, कमेंट में है तुम्हारे लिए, लिखो, ठीक है तुम ही हो सब कुछ, तुम ही पढ़ रहे हो, ठीक है तुम ही पढ़ना है, और आगे भी अगर तुम फॉलो कर रहे हो, तुम कमेंट नहीं लिखोगे, अगर कुछ सजेशन होगा फीडबैक होगा वो दो, जिससे कि मैं चीज़ें अच्छी करूँ, इम्प्रूव करूँ, क्योंकि आगे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आने वाली है। तो वही सही है दोस्त, तो और बताओ क्या कैसा लग रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, प्रोजेक्ट सजेशन दे सकते हो कमेंट में, ठीक है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हो, सही दोस्त। तो चलो बस
इस लेक्चर में इतना ही, एक बार देख लेना खुद से और ये होमवर्क को ट्राई करने का करना कोशिश करना ना, बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मैंने बोला बन जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वरना मैं नेक्स्ट पार्ट में बनवा ही दूंगा, पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। तो यार चलो इस लेक्चर में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।